जी, हु वुड ऑल्सो बी वर्किंग विद मी विद यू गाइस, ठीक है? एंड ऐसा काफी चांसेस हैं, काफी इस चीज के चांसेस हैं कि वो एक से दो हो जाएं। एक तो होना ही है, लेकिन ऐसे भी चांसेस हैं काफी ज्यादा कि एक से दो हो जाएं। तो हु विल बी डायरेक्टली वर्किंग विद मी एंड द पीएम्स ऑल टुगेदर, ठीक है, टू गेट द वर्क डन सो दैट वी कैन कट आउट द प्रेशर फ्रॉम वन अनदर। जैसे मेरे ऊपर है और जो पीएम्स के ऊपर है, दे विल बी वर्किंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है? सो दैट वुड सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, सही है? दैट वुड बी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम इंशाल्लाह, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग आज सब सारी बात मेरी फाइनल हो गई है, आज ही मेरी सनी भाई से भी बात हुई है, तो वी वुड एक्सपेक्ट दैट टू हैपन इन नेक्स्ट वन डे और मे बी टू मैक्सिमम, एंड देन यू गाइज विल हेयर इट फ्रॉम मी के वो कौन है एग्जैक्टली, ठीक है? एंड प्रोबेबली अगले इस महीने तो वी विल सेलेक्ट वन, ठीक है, जो डायरेक्टली एसोसिएट्स शॉपिफाई और किंडल केडी केडीपी में होगा मेरे साथ, एंड देन देयर वुड बी अनदर वन एडेड टू द टीम प्रोबेबली डिपेंडिंग ऑन द वर्क प्रेशर, एंड आई फील कि प्रोबेबली होगा ऐसा बाय द नेक्स्ट मंथ, सही है? तो दो तो एक तो कंफर्म है, हो सकता है दो भी हो जाए, एक से दो भी हो जाए, ठीक है? सो एक सेकेंड रुकिएगा, मैं ऑफ करवा देता हूँ, रुकिए। वीडियोस मिनट रुकिएगा, जरा मैं वीडियोस देख लूँ किस किस की आ रही है। अली, आई एक्सपेक्ट के अगर एक से दो, विच आई फील के 24 आवर्स के अंदर वी विल फाइनलाइज के वो बंदा कौन है जो मेरे साथ मिलके काम कर रहा होगा, एंड तो प्रोबेबली आई शुड सी दैट हैपनिंग बिफोर द वीकेंड, ठीक है? तो यू गाइज विल हैव इट विद यू गाइज। अच्छा, सो टुडे वी स्टार्ट ऑफ विथ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पार्ट्स ऑफ शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, एंड आफ्टर दिस वी विल गो टुवर्ड्स गूगल एज वेल, ठीक है? एंड देन वी विल इंशाल्लाह गो टुवर्ड्स इन्फ्लुएंसर एड्स एज वेल, बट एज वी ऑल नो, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ अस, दैट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का जो तकरीबन अगर 100% बजट है, तो उसमें से तकरीबन 60-70% बजट और मोर फेसबुक एड्स की तरफ लगता है, ठीक है? मेरी आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है? ओके ओके, तो लेट मी स्टार्ट ऑफ ऑन दिस टॉपिक। ओ या, थैंक यू। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। ओके। तो इससे पहले कि मैं डायरेक्टली टेक्निकलिटीज की तरफ आऊं, एंड बिकॉज आई हैव सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सो आई वुड वांट यू गाइस टू नो द थ्योरी बिहाइंड फेसबुक एड्स एज इज, ठीक है?
And I hope that you're okay with, I hope you all are okay with the fact that, and I'm assuming कि आप लोग सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि यार बस एड कैंपेन क्रिएट कैसे करनी है, एड सेट्स कैसे सेट करने और एड्स कैसे लगाने. आई थिंक यू वॉन्ट अ लॉट ऑफ वैल्यू ओवर हेयर इन टर्म्स ऑफ कि तुम लोग एग्जैक्टली समझो कि पीछे बैक एंड पे वर्किंग कैसे हो रही होती है, कि फेसबुक ये डिटर्मिन कर रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारे एड्स कब कैसे दिखाने, तुम्हें चार्ज कैसे करना है, तुम्हें महंगा चार्ज करना है, तुम्हें सस्ता चार्ज करना है, हर चीज, लाइक एवरीथिंग ऑल इन ऑल. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट यू गाइस टू डू इज हैव अ लुक एट दिस पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, एंड टेक दिस, यू सी ऑल द बिलबोर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, नाउ इमेजिन दिस इज फेसबुक एड्स मार्केट. ठीक है, व्हेन यू गो टू योर फीड और व्हेन यू वॉचिंग वीडियोज, यू कम अक्रॉस एड्स. ठीक है, ऑन योर राइट हैंड साइड कॉलम, ऑन योर मेन फेसबुक फीड, व्हाइल यू आर वॉचिंग एड्स, ऑन योर स्टोरीज, एवरीवेयर. ठीक है, एंड इट इज प्रिटी मच रिलेटेबल टू हाउ थिंग्स गो इन द रियल वर्ल्ड. कि जब आप शराय फैसल पे होते हो एंड देन यू सी अ लॉट ऑफ बिलबोर्ड्स ओवर देयर, उन जो बिलबोर्ड्स वहां पे लगे हुए होते हैं उनके जो ओनर्स होते हैं उनको एक आइडिया होता है कि पर डे यहां से कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज जस्ट एस्टिमेटेड फिगर होती है उनके पास. ठीक है, तो इसमें प्रोज एंड कॉन्स कहां पे आ जाते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ. ठीक है, तो उनको एक एस्टिमेटेड इस चीज की जो है ना पता होता है एट द बैक एंड, कि भाई जितनी भी इस रोड से अभी मेरे बिलबोर्ड के सामने से जितनी भी गाड़ियां गुजर रही हैं, ऑन एन एवरेज कितना ट्रैफिक मेरे जो है ना बिलबोर्ड के ऊपर इंप्रेशन हासिल करता होगा. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं इंप्रेशन क्या चीज होती है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, इंप्रेशन क्या चीज होती है, रीच क्या चीज होती है, ये मैं आपको बता दूं. ठीक है, इंप्रेशन इज नॉट यूनिक, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं, ये ट्रैफिक इस तरफ जा रहा है एंड इसके सामने ये सारे एड्स नजर आ रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों को नजर आ रहे हैं. अगर आपने ये एड, लेट्स सपोज आइडियल विजन यहां पे टॉप राइट पे आ रहे हैं, सही है, या फ्रीगो ये वाला एड देख लें, अगर आपने ये इस एड के सामने से आप गए, आपकी आपकी नजर, मतलब आपने देखा नहीं एग्जैक्टली बट ये आपके आंखों के सामने था, बट सिंस यू वर नॉट इंटरेस्टेड यू स्टिल वेंट पास बाय. ठीक है, तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन इंप्रेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू अ क्विक एग्जाम्पल ओवर हियर. ठीक है, मैं फेसबुक खोलता हूं और जब मैं फेसबुक खोलता हूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे, अभी रुकिएगा एक मिनट, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जरा कुछ थोड़ा सा कंटेंट लोड होने दे तो फिर मैं आप लोगों को सही से एग्जांपल दे सकता हूँ. ठीक है, अब मैं शुरू से करता हूँ. ये या मैंने अपना फेसबुक खोला, ये मेरे पास न्यूज फीड आ गई सामने, मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तेजी से. अब मैंने नीचे स्क्रॉल करा, सिमिलरली जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, आप बहुत सारे बिलबोर्ड्स के सामने से जाते हैं, स्पेशली ऑल्सो द वंस जो जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं होते. ठीक है, तो मैंने तेजी से नीचे स्क्रॉल कर दिया और मैं यहां पर आके रुक गया. ठीक है, अगर मैं वापस ऊपर जाता हूं और मैं आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करता हूं, तो नाउ आई वॉन्ट टू शो यू कि कितने एड्स मैंने मिस आउट करे. ये एक एड था स्पॉन्सर्ड, दिस इज अबाउट वीक्स ऑफ न्यूज़लेटर प्लान्ड आउट एंड रिटन फॉर यू, नॉट इंटरेस्टेड इन, एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट नो मुझे एड क्यों दिख रहा है. ठीक है, नीचे चलते और एक और एड मेरे पास था, ये वाला ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट, क्रिएट सेल्स लेटर एंड मूव विद ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट, नो राइटिंग और सेल्स एक्सपीरियंस नीडेड. ठीक है, ये एक और एड था. तो इवन दो मैंने रुक के ये एड नहीं देखा, दिस विल बी काउंटेड एज इंप्रेशन. ठीक है, एंड आर इंप्रेशंस यूनिक? नो, इंप्रेशंस आर नॉट यूनिक.
आप, मैं इस एड को आपसे बात करते करते कोई 3 से 4 बार देख चुका हूं, तो ये 4 बार काउंट कर लेगा इस चीज को, ये दिमाग में आप अपने बात याद रखिएगा, ठीक है। रीच वगैरह और बाकी चीजों की डिटेल्स में मैं बाद में आऊंगा और आपको सही से समझाऊंगा रीच क्या चीज होती है और फिर सब पूरा कस्टमर फनल बनता कैसे एग्जैक्टली, सही है, जिसको हम कस्टमर जर्नी भी बोलते हैं, ये एग्जैक्टली बनता है कैसे। लेकिन फिलहाल मैंने अभी आपको इंप्रेशन का एक आइडिया दे दिया है, ठीक है। कोई ऐसी टर्म्स हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए जो कि मैं बोल दूं अभी रवानी में और आप लोगों को बाद में क्वेश्चंस आ रहे हो उससे, तो आप जब एक किसी रोड से गुजर रहे होते हो तो आपके सामने बहुत सारे बिलबोर्ड्स होते हैं, आप जैसे ही सामने से गुजरते हो तो आप उस एक खास एड के ऊपर, भले आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आपका एक इंप्रेशन काउंट हो जाता है, ठीक है। सो पहले तो एक बात रखें, तो अब होता क्या है कि यहां पर जब लेट्स सपोज मैं इस वाले बिलबोर्ड की बात करता, फ्री गो की, फ्री गो ने यहां पे अपने एड लगाने के लिए इसके ओनर से बात करी होगी, और जब उस ओनर ने इस खास एड एड की जो है ना एक वैल्यू रखी हुई होगी, पैसे पैसों में एक वो रखी हुई होगी कि भाई मैं इसके लिए सपोज महीने के 50 लाख रुपए लूंगा आपसे, ठीक है। एंड दिस इज हाउ इट गोज एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली हाउ इट गोज, ये इतने महंगे होते हैं, 50 50 लाख, 30 30 लाख रुपए के होते हैं पर मंथ, तो मैं आपसे जो है ना इसके 50 लाख रुपए लूंगा मंथ के। इसी साइज का एड आप कहीं और देखोगे, भाई यू हैव मैनुअली टाइप इट, अच्छा इसी टाइप का एड अगर आप कहीं और देखोगे तो आपको हो सकता है 50 लाख की जगह ये 15 या 25 लाख रुपए का पड़े, हाफ द प्राइस। क्यों? क्योंकि वहां से इतनी गाड़ियां नहीं गुजरती होंगी, नंबर ऑफ इंप्रेशंस नहीं होते होंगे, अच्छा तो वैसे रियल वर्ल्ड में इंप्रेशंस नहीं होते, लेकिन मैं आपको फिर भी एग्जांपल बता रहा हूँ, सिर्फ उतने इंप्रेशंस नहीं होते होंगे, उतनी गाड़ियां सामने से नहीं गुजरती होंगी, रीच टोटल कम होती होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो इस एड की डिमांड ज्यादा है क्योंकि इसके सामने से गाड़ियां ज्यादा गुजर रही हैं, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। सिमिलरली जब आप फेसबुक एड्स मार्केट में आते हो तो प्लेसमेंट्स के भी जो होती हैं वो एक खास कोई वैल्यू होती है विच वी कैन नॉट डायरेक्टली डिटरमिन, बट लोगों को, एडवर्टाइजर्स को पता होता है कि यार स्टोरी सस्ती पड़ती है, फेसबुक न्यूज फीड महंगी पड़ती है, ये होता है वो होता है इस तरह करके, एक तो ये बात याद रखो। दूसरी चीज, जो चीज एक और होती है हमारी फेसबुक एड्स मार्केट में, वो होती है बिडिंग। लेट्स कम टू दिस नाउ, अंडरस्टैंडिंग द ऑक्शन। होता क्या है कि एक एड जो आप देखते हो, फेसबुक इज एन ऑक्शन प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजर्स आर कॉम्पीटिंग फॉर लिमिटेड स्पेस। अब आप ये बोलते हो ये वाला जो एड है इसको हम बोलते हैं फेसबुक न्यूज फीड, आपका एड दिख रहा होगा फेसबुक मेन न्यूज फीड पे, देखिए राइट हैंड साइड पे भी एड्स हैं, ये राइट कॉलम एड्स होते हैं, मैं राइट कॉलम एड्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेन न्यूज फीड एड की बात कर रहा हूँ। ये आपके सामने जो एड दिख रहा है दिस इज नोन एज फेसबुक न्यूज फीड। अब हम ये बात करते हैं कि फेसबुक न्यूज फीड पे अगर आप सारे लोग, और टोटल मैं समझता हूं अभी इस सेशन में बैठे हुए 120 लोग, 120 लोग ये बात बोलते हैं कि मुझे अपना एड यहां पर दिखाना है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का या किसी भी चीज का, ठीक है, तो अगर मुझे इधर एड दिखाना है और आप सब दिखाना चाह रहे हो और एक ही स्पॉट है यहां पे, ये मतलब मैंने स्क्रॉल करा, स्क्रॉल होते ही सबसे पहले ये एड सामने दिख गया, स्क्रॉल होते ही सबसे पहले ये एड दिख गया, आप चाहते हो यार मेरा सेकंड नहीं देखे मेरा पहले देखे, एक तो ये चीज हो गई कंडीशन, और दूसरा मेरा एक इस एड स्पेस के लिए दिखे यहां पे एड, एक बात। दूसरी बात, एक सवाल है आप लोग से जनरली, और प्रॉबेबली यहाँ पे कोई एग्जैक्टली नहीं दे पाएगा, लेकिन हम लोग को फेसबुक वाले ने बताया था, मैं भूल गया एग्जैक्टली वो फिगर, लेकिन मैं बता, ऑन एन एवरेज आप एक दिन में न्यूज फीड के ऊपर ही कितने एड्स देख लेते होंगे, 50 30 20 15, वैसे तो आप देखना चाहे तो आप देखते ही रहे पूरे दिन, आप सिर्फ फेसबुक की न्यूज फीड स्क्रॉल करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो जितने लोगों ने भी बिड करा हुआ होगा वो सारे एड्स आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, एक पॉइंट होगा कुछ रिपीट भी होंगे और फिर कुछ यूनिक भी आ रहे होंगे, तो जो सबसे पहले दिखते हैं इसका एक मतलब तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि फेसबुक उनको पसंद करता है, उनके एड्स को पसंद करता है, उनकी क्वालिटी को पसंद करता है, इस बारे में डिटेल में हम और ज्यादा बात करेंगे। दूसरी जो चीज आपको समझ आ गई वो एग्जैक्टली आईबॉल्स, दूसरी जो चीज समझ आ गई वो क्या है कि ये सारे एडवर्टाइजर्स
एक मार्केट प्लेस में बिट कर रहे हैं, ऑक्शन हाउस में जैसे बैठे हुए, और वो बिट कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर कि मेरा एड दिखे पहले, मेरा एड दिखे पहले, जिसकी बिड। अच्छा, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे तो बिट कर रहे हैं तो मतलब जिसकी सबसे हाईएस्ट बिड वही जो जीत गया उसका एड पहले दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो खैर ऑक्शन हाउस में होता है, लेकिन देयर इज मोर टू इट, ऐसा ही है कुछ हद तक, लेकिन बाकी क्या है वो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आई होप यू गाइस गेट गॉट द जिस्ट आउट ऑफ इट कि यहाँ पे एडवर्टाइजर्स बैठ के एक दूसरे के खिलाफ बिट कर रहे होते हैं कि मेरा एड पहले दिखे। अब आगे और आ जाते हैं, तो ऑक्शन इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन मनी बट ऑल्सो बेस्ड ऑन यूजर एक्सपीरियंस। ये दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बहुत डिटेल में अभी बात कर रहे होंगे, समझा रहे होंगे। और देखिए, आई होप यू डू, यू ऑल ऑफ यू गाइस अग्री कि मुझे ये आप लोगों को बैकग्राउंड नॉलेज देना जरूरी है। अगर आप लोग नहीं समझोगे ना तो फिर आप लोग नहीं समझोगे, आप लोग एड़ियां रगड़ते रह जाओगे और आप लोग बोलोगे कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना अपनी सेल्स, मुझे मुझे सेल्स क्यों नहीं आ रही है, मैं अपना कहां जाके सर मारूं। एंड देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं, ऐसी छोटी सी, बहुत छोटी सी एग्जांपल। मेरे पास अभी फाइवर पे एक कस्टमर आया, ठीक है, एंड दिस इज हियर, हियर ही इज, व्हाट्स हिज नेम, एक मिनट, ये सैम, सैम किपलिंग। तो ये ही इज लाइक के यार प्लीज मुझे तुम एड्स करना सिखा दो। इसने मुझसे बोला कि यार तुम मुझे एक प्रोडक्ट बता दो। मैंने इसको प्रोडक्ट बताया तो इसके पास मैसेज आया, वेरी इंटरेस्टेड, और मैं बहुत ज्यादा चाह रहा हूँ कि आप, मैं आपसे जो है ना मतलब फेसबुक एड सीखूँ, सब कुछ करूँ। तो आई हैव रिसीव्ड टू मोर ऑर्डर रिक्वेस्टिंग अ मल्टी परचेस। तो इसने मुझे बताया कि इसकी टोटल 15 सेल्स, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जैक्टली 15 सेल्स इसका जो प्रोडक्ट था, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, वो टोटल कितने का था, आई थिंक इट वॉज $55, if I'm not wrong, $55, $55 or $60 का था, I think $55 का था, और which is considered a medium ticket product, बहुत आराम से, और इसके $20 के अंदर इसकी 15 sales हो गई, and he was like crazy happy about it, and he was like कि मुझे please ये समझाओ ये हुई कैसी है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये तुमने करा कैसे exactly। तो और मेरे पास ऐसे customers भी हैं और मैं उनको समझाए जा रहा होता हूँ, ये मैं तुम लोग को भी अभी ऐसा समझ रहा हूँ 2 सेकंड के लिए, क्योंकि मैं उनको यही बात समझाता हूँ, जैसे तुम लोग भी सॉर्ट ऑफ कस्टमर्स हो, तुम लोग किसी एडवर्टाइजर के पास गए हो, बोल रहे हो कि प्लीज हमें ये बताओ कि मेरी सेल्स क्यों नहीं आ रही, या तुम्हारी गलती है मेरी सेल्स क्यों नहीं आ रही, तुम तो एडवर्टाइजर हो, आई हेट यू फॉर नॉट ब्रिंगिंग मी सेल्स। सही है, इट्स नॉट दैट इजी। एडवर्टाइजर्स को लोग ज्यादातर जाके ब्लेम करते हैं कि भाई तुमने मेरे एड सही नहीं चलाए, ऐसा नहीं है, देयर इज अ लॉट मोर टू इट, और ये बात बहुत समझना जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो देयर टू मेनी एडवर्टाइजर्स, नॉट इनफ स्पेस, ये बात आप लोग को बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। एक रीजन ये भी होता है कि आपके एड्स बहुत पुअर होते हैं और आप लोग को फेसबुक की जगह नहीं दे रहा होता है, ठीक है। विनिंग एडवर्टाइजर्स आर द वंस हु टेस्ट रिलेंटलेसली टू फाइंड बेस्ट ऑडियंसेस एंड द बेस्ट क्रिएटर्स, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, नाउ हियर इज द प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू कवर राइट नाउ, एंड दिस पिक्चर इज टेकन बाय फेसबुक इटसेल्फ। ये मेरी अपने हाथ की बनाई हुई नहीं है, ये फेसबुक से ली हुई है आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग को बताने के लिए कि हाउ द होल एडवर्टाइजिंग सिस्टम वर्क्स ऑन फेसबुक, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज वी रैंक एड्स बेस्ड ऑन टोटल वैल्यू फॉर ईच एड। अब आ जाए टोटल वैल्यू के ऊपर, तो टोटल वैल्यू बनती कैसे, फेसबुक आपको इंपॉर्टेंस कब देगा, फेसबुक क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं। फेसबुक बोलता है मेरा बिजनेस है और मुझे क्वालिटी एड्स चाहिए, मुझे बेकार एड्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं मेरा यूजर एक्सपीरियंस अमेजिंग हो, बहुत बहुत पसंद करे वो, और वो बोले कि यार क्या तो प्लेटफॉर्म है फेसबुक पे, मैं जो चीज चाह रहा होता हूं मुझे वही चीज दिखती है और बहुत अच्छी दिखती है। तो अब आ जाते हैं इनके फॉर्मूले के ऊपर, मैक्सिमाइजिंग एडवर्टाइजर वैल्यू
और ऑप्टिमाइजिंग कंज्यूमर एक्सपीरियंस का पूरा गेम है, मैक्सिमाइजिंग एडवर्टाइजर वैल्यू पे पहले आ जाते हैं। एडवर्टाइजर ने बोला भाई फेसबुक फॉर एग्जाम्पल, आप लोग में से कोई है, मैं कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूं, जितना बोलोगे उतना पैसा देने के लिए तैयार हूं, मेरा एड भाई प्लीज पहले दिखा दो। कुछ लोग बोलेंगे यार प्लीज मेरे पास इतना बजट नहीं है, मैं ज्यादा पैसा नहीं देना चाह रहा, मेरा एड भी दिखा दो किसी तरह। तो फेसबुक बोलेगा ठीक है, अभी मैं आप जो कोई कितना भी, मतलब आप जिसके पास बिग पॉकेट्स हैं और आप जिसके पास शॉर्ट ऑन बजट्स, बजट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, आप दोनों को मैं एक साइड पे एक साथ रखता हूं। अभी बात सोचिए 2 सेकंड के लिए, ये मैं वो चीज बता रहा हूं और मैं जरा स्लाइड को आप लोग के सामने से हटा रहा हूं। आप लोग को मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं और आप लोग इस सिचुएशन को सोचिए गौर से। अब पिक्चर इट इन योर हेड, आप लोग एक प्रोडक्ट एडवर्टाइज करने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट आपकी नजर में विनिंग प्रोडक्ट है और दो लोग हैं, ठीक है, आप लोग की हर चीज सेम है, पर डे बजट भी सेम दिया हुआ आप लोग ने, पर डे बिडिंग भी पहले दी सेम दी हुई आपने, आपने हर चीज सेम दी हुई है, पहले एड किसका दिखेगा, क्या रीजन? अच्छा मैं इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात कह देता हूं मैं कि प्रोडक्ट सेम है, हर चीज सेम है, पहले एड किसका दिखेगा, ठीक है, तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, सही है, इसका कोई सिर्फ एक जवाब नहीं है, इसके मल्टीपल जवाब है और मैं आप लोग को ऐसा इस थ्योरी को समझ के, आप इस फॉर्मूले को समझ के आपको समझ आएगा। फेसबुक ये बोलता है कि अच्छा अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, चलिए गुड, यू गाइस आर गेसिंग इट, सही, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फेसबुक बोलता है पहले तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग दोनों प्रोडक्ट्स के लिए बोल दिया, अब आप लोग ये सोच लें इधर दो लोग खड़े हुए और वो दोनों सेम प्रोडक्ट लेके जो है ना लाइन में खड़े हुए, बोले यार प्लीज पहले मेरा दिखा दो, एक बोल रहा है मैं हाई बिड दे दूंगा, एक बोल रहा है मैं लो बिड दे दूंगा, अच्छा चले ये भी सोच ले कि वो दूसरा वाला बोल रहा है कि भाई जितना बिड वो दे रहा है उतना बिड मैं दे दूंगा, भाई पहले मेरा दिखा दो। फेसबुक बोलेगा अच्छा चले ठीक है, आप दोनों पहले इसको मार्केट में रखें, मेरी मार्केट में आ जाएं आप लोग और इस अपने प्रोडक्ट को रखें। दोनों ने प्रोडक्ट रख दिया, अब बोलेगा अब भाई देखो सिंपल सिनेरियो ये है कि मैं अब कुछ सैंपल साइज उठाऊंगा ऑडियंसेस का और मैं बोलूंगा आओ जरा देखो इनका प्रोडक्ट, आओ और प्रोडक्ट देखो जरा और आप लोगों को कैसी लगती है ये प्रोडक्ट। उसके ऊपर फेसबुक सिंपल एक चीज कुछ चीजें लेगा इन कंसिडरेशन, वो क्या चीजें होंगी, वो बोलेगा जब कस्टमर आएगा अगर कस्टमर ने कमेंट्स में ये बात बोली, दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग एड्स दिखे, सैंपल साइज 1000 का लिया एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और 1000 कस्टमर्स को एक उस सेम प्रोडक्ट के लेके पास लेके गया लेकिन उसका ओनर डिफरेंट था, दूसरा एक और 1000 कस्टमर्स को लेके गया उसका ओनर दूसरा था, दोनों सेम बिड करने के लिए तैयार थे, दोनों ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार थे, एक कस्टमर के एक जो एक लेट्स सपोज ए और बी थे, बी कस्टमर के पास गए, ए कस्टमर के पास लोग गए और चले गए, बस उसमें से 1000 में से लेट्स सपोज 100 लोग रुके और 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने खरीद लिया। बी के पास लोग गए, लोगों ने क्वेश्चन करा, लोगों ने बोला यार ये प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट तो बड़ी ये क्या है, मतलब ये इसका ये तुम मुझे बताओगे शिपिंग कितने दिन में दोगे अगर तुम, ये तो बड़ा अच्छा है मेरे काम का प्रोडक्ट है, ये सवाल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बकायदा उसको पकड़ के हाथ में लिया, मतलब जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट को उन्होंने फील करा या फिर उनको ऐसे ही देखा और ज्यादा लुक एंड फील देखी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट एक्सपीरियंस, को लोगों ने क्लिक करा और वेबसाइट पे गए। हाँ पहला वाला तो सोशल प्रूफ हो गया जबरदस्त जुल्करनैन, दूसरा वाला हो गया कि वो वेबसाइट पे गए, सही है, तो ये आ गया एंगेजमेंट और क्लिक थ्रू रेट। एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स क्या है, आपके एंगेजमेंट और क्लिक थ्रू रेट, सिंपल, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। अब ये तो हो गया यहां पे, अब क्या होता है, अब मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूं, ऑप्टिमाइजिंग कंज्यूमर एक्सपीरियंस। कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या चीज हुई, कंज्यूमर एक्सपीरियंस ये चीज हुई कि भाई एक बार कस्टमर गया लैंडिंग पेज पे, अब आगे आपके पूरा कस्टमर जर्नी आज से स्टार्ट हो गया आपके कंज्यूमर एक्सपीरियंस का, क्या
कि उसने आपका प्रोडक्ट गया, देखा वेबसाइट पे, उसने ऑर्डर किया, आप फेसबुक ये सब ट्रैक कर रहे हैं कैसे, पिक्सेल से, उसने देखा, क्लिक थ्रू करा फेसबुक, उसने फेसबुक पे ऐड को, वो गया वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेज पे, उसने पूरा वो प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट देखने बाद, स्पेसिफिकेशंस देखने के बाद, वो आगे पीछे गया, उसने फिर प्रोडक्ट की डिटेल्स देखी, उसने परचेज दबा दिया, परचेज दबाया, उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट का 7 दिन का लिखा हुआ था। अब अच्छा, अब लेट्स सपोज, एक और मैं तुम लोग को सिचुएशन दे रहा हूं, एक केस, एक तो तुम लोग को केस दे दिया मैंने कि पहल दो ए भी थे, उनके पास सेम प्रोडक्ट थी, हो सकता है वो जो प्रोडक्ट ए जो जिसने रखा हुआ था उससे से प्रोडक्ट रखा हुआ, प्रोडक्ट बी वाले ने बकायदा अच्छी सी पैकेजिंग में रखा हुआ, तो वो पैकेजिंग क्या चीज है जिस तरह आपका एड दिख रहा है, तो वो जो अच्छी सी एंटाइसिंग पैकेजिंग थी ना, उस पे लोग थोड़ा सा वो हो गए, इंट्रीग हो रहे थे कि यार सर देखे तो सही, यार अंदर कैसा है ये, तो इतनी अच्छी सी पैकेजिंग में आ रहा है, दूसरे वाले ने बेकार सी पैकेजिंग करके थैले में उठा के दे रहा है, तो लोग इंटरेस्टेड ही फील नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट सेम था। अब आ जाओ केस टू, केस टू में प्रोडक्ट दोनों के पास सेम था, पैकेजिंग भी सेम थी, एंटाइसिंग जबरदस्त, लैंडिंग पेज के ऊपर गए, लैंडिंग पेज पे आने के बाद प्रोडक्ट खरीदा, और फिर बाद में कुछ अरसे बाद देखते हैं आप, तो एक कप जो है ना, क्या नाम है, एड्स दिखना कम हो गए हैं ऑटोमेटिकली, उसको उसके एड्स इतने ज्यादा नहीं, और दूसरे के एड्स अब बहुत ज्यादा दिखने शुरू हो गए, एड स्पेस उसको ज्यादा दे दिए फेसबुक ने। ये जो एक्सपीरियंस है इसको हम बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, पोस्ट बाइंग बिहेवियर, जिसमें आपने बोला हुआ था शिपिंग 7 दिन में पहुंचेगी, दूसरे वाले ने बोला हुआ था 15, 20, 40 दिन में पहुंचेगी, और 40 दिन की वजह से कस्टमर एक्सपीरियंस बुरा गया, और कस्टमर ने बोला यार ये क्या है, ये मतलब मुझे तो COVID-19 के जमाने में चाहिए था इसको, तो ये तो मेरे पास अब पहुंच रहा है। रिपोर्ट टू फेसबुक नंबर वन। नंबर टू, जो मैंने आप लोग को, गो बैक टू दैट स्लाइड जहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि अब फेसबुक ने जो है ना, आप बाय द वे, ये यूएस में ज्यादा होता है, ये यूएस में ज्यादा होता है, एंड पीपल हु आर फ्रॉम यूएस, उन्होंने ही शायद देखा होगा कि अगर वो ई कॉमर्स स्टोर से कुछ खरीदते हैं तो फेसबुक तकरीबन 3 से 4 दिन, 5 दिन के बाद आप लोग से खुद ब खुद एक सर्वे फॉर्म भेजता है फेसबुक के ऊपर, और पूछता है कि आपने इस वेबसाइट से खरीदा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, किसी के साथ हुआ है? No one? Wow. Because, like, मेरे साथ भी हुआ है, और मेरे जो जितने भी कजन्स बाहर रह रहे हैं वो उनको भी, उनके साथ भी हुआ है। खैर हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है कि हो सकता है आप में से किसी खरीदा ना हो, लेकिन ये बहुत कॉमन है, और यूएस में तो एक्सट्रीम कॉमन हो गया, एक्सट्रीम कॉमन हो गया, ये यूट्यूब पे देखे मेनी टाइम, लेकिन ये चीज अब फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो अच्छा सर, मोहम्मद अब्दुल्ला वसीम ने खुद इस चीज के लिए वाउच करे कि हाँ उनके साथ ये एक्सपीरियंस गेम्स में हुआ है, ठीक है, तो ये बाहर मुल्कों में बहुत कॉमन हो गया है, यहाँ पे अभी बहुत बुरा एक्सपीरियंस है फिलहाल, और लोग अभी फिलहाल फेसबुक ने मेरे ख्याल से वो वाले फीचर्स अभी तक रोल आउट नहीं करे, यूएस में ये फीचर्स बहुत पहले रोल आउट हो जाते हैं। बहरहाल, तो उसके ऊपर फिर फेसबुक फिर आपके मजीद उसके ऊपर जो है ना वो देना शुरू कर देता है, तो ये एक तो पूरी ओवरऑल वो चीज हो गई, और मैंने आप लोग को दिखाया भी था, इफ आई गो बैक, ये दिस इज द फीडबैक स्कोर, जो बाद में पोस्ट फीडबैक स्कोर होता है, जो बाद में फेसबुक डिटरमिन करता है लोगों का, लोगों से कस्टमर फीडबैक बकायदा लेकर कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो या दैट बीइंग सेड, हम आगे आते हैं। ओके, एक मिनट रुकिएगा जरा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, मैं आपको इसी एग्जाम्पल की सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, उससे पहले मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं इस स्लाइड पे। तो अब मैं बात करता हूं, हमारे पास दो तरह के लोग हो गए, मैंने आपको बताया ना दो तरह के लोग हो गए, लेकिन इसमें जो रिजल्ट आ रहा है, लेट्स सपोज मैं दो लोगों की बात कर लेता हूं, एक तलाल है और एक मुइज है, मुइज का प्रोडक्ट एक्सपीरियंस बुरा रहा है, या उसके उसके एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स बुरे रहे, मतलब किसी एक, कोई भी इन दोनों में से एक चीज मुइस की बुरी रही है, और तलाल की दोनों चीजें एक्सेलेंट रही हैं। हम फेसबुक पे 90% ऑटोमेटिक बिडिंग रखते हैं,
ऑटोमेटिक बिडिंग रखते हैं, फेसबुक बोलता है कि हमें एडजस्ट करने दो। और सच्ची बात, गूगल पे आप मैनुअल बिडिंग और इन सारी चीजों पे जा सकते हो, फेसबुक पे आइडियली बेस्ट होता है कि आप ऑटोमेटिक बिडिंग रखो, सही है। बहरहाल अभी मैं बिडिंग के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक बिडिंग के लिहाज से मुइज ने और तलाल ने दोनों ने ऑटोमेटिक बिडिंग रखी हुई है। अब मुइज और मुइज को एड्स, अब सवाल ये आता है कि क्या मुइज के एड्स ही बंद हो जाएंगे? हो सकता है वो पॉइंट आ जाए, लेकिन अगर मुइज के एड्स इतने बुरे भी नहीं है, देर ओकेश, लेकिन तलाल की जो एड्स हैं सेम प्रोडक्ट के लिए, उनका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। तब होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरे एड्स हजार बार लेट्स सपोज दिखते हैं अगर एड में, तो हो सकता है तलाल के भी हजार बार दिख रहे हो, या तलाल के हजार बार दिख रहे हो सकता है मेरे भी सेम बार दिख रहे हो, लेकिन यहां पर फर्क पड़ेगा मुझे और यहां पे फर्क पड़ेगा तलाल को। तलाल के लिए ये एडवर्टाइजिंग बिड बहुत कम हो जाएगी और मेरी बहुत बढ़ जाएगी। एड्स दिखाने के लिए एक थ्रेशहोल्ड है, एंड वो थ्रेशहोल्ड यहां है। ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है थोड़ा सा आप लोग समझाने के लिए कि लेट्स सपोज ये वो थ्रेशहोल्ड है जहां पे आपके एड्स दिखना शुरू होते हैं, ये वो थ्रेशहोल्ड है, ठीक है। जब आप इस थ्रेशहोल्ड को अब हिट कैसे कर सकते हो, देयर टू वेज, आप अपना एड रेलेवेंस विच इज द ब्लू, क्वालिटी एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स, सॉरी ये टाइप ऑफ मिस्टेक हुई है यहां पे, एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स, ठीक है, आपके जो एंगेजमेंट रेट है, आपका कस्टमर बाइंग एक्सपीरियंस है, आप सारी चीजें अच्छी कर दो, ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बेहतरीन कर दो इसमें, तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे आपने, क्योंकि बाकी चीजें जो है ना अपने एड रेलेवेंस क्वालिटी ऑफ एक्शन रेट्स एंड एंगेजमेंट रेट की वजह से आपने अपना ओवरऑल बाकी चीजें कवर कर दी थ्रेशहोल्ड पहुंचने के लिए। तो फेसबुक ने बोला अच्छा चलो एक काम करो, तो मुझे थोड़ा सा बिडिंग में उसने काफी आपको रियायत दी, ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो बिडिंग हो जाए, लेकिन बिडिंग में आपको बहुत ज्यादा रियायत दी और बोला कि चलो ठीक है तुम अपना एक काम करो, बिडिंग जो है ना तुम अपना इतना रखो और मैं तुम्हें जो ना ऑक्शन के थ्रेशहोल्ड से वो तुम्हारे एड्स दिखाना शुरू कर देता हूं, क्योंकि थ्रेशहोल्ड तो मीट कर रहे हो अपने बाकी इसकी वजह से। और मेरे साथ ये तो तलाल क्या हो गया एग्जाम्पल, मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ ये होता है, एंड आई एम सॉरी मैंने यहां पर गलती करी हुई है, यहाँ पे मैंने एक गलती करी हुई है, हाँ सॉरी सॉरी गाइस, एक मुझसे गलती हो गई, सॉरी, मुझे तुम लोग को एग्जांपल थोड़ी सी सही करके देने दो। एक मिनट, दिस इज द अदर वे अराउंड एक्चुअली, Yep, now it's okay. Sorry. अब मेरे ये तो मेरे साथ होता है कि मैं यहां पर मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल एड रेलेवेंस क्वालिटी एंड एंगेजमेंट रेट बहुत बुरा है और मुझे फेसबुक बोलता है भाई देखो सिंपल बात है तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है तुम्हें ज्यादा बिड करके, मतलब मैं तुम्हारी ओवरऑल बिडिंग जो है वो बढ़ानी पड़ेगी मुझे ऑटोमेटिकली ताकि तुम थ्रेशहोल्ड मीट कर सको ताकि तुम्हारे एड्स लोगों को दिखना शुरू हो। और दूसरी सिचुएशन तलाल की क्या है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है सेम प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है, उसके लिए क्या रखा हुआ है फेसबुक ने कि भाई फेसबुक ने बोला यार तुम्हारा तो ओवरऑल एड एक्सपीरियंस कस्टमर एक्सपीरियंस हर चीज ही लाजवाब है, तुम्हारी एड रेलेवेंसी इज रियली गुड, मैं काम करता हूं मैं तुम्हारी बिडिंग कम कर देता हूं क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए एज अ फेसबुक, मैं फेसबुक की बात कर रहा हूं, फेसबुक बोलता है मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है ना वो जो मेरे ऑडियंस को खुश रखेगा मैं उससे पैसे कम लूंगा, और जो मेरे ऑडियंस को उदास करेगा और बोलेगा यार किस तरह का ये एड है और ये तो एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं दे रहा, उसको मैं जगह दूंगा लेकिन मैं जगह जरा कम दूंगा कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास अच्छे से अच्छे एड्स चले मेरे प्लेटफॉर्म पे, सही है। तो आई होप ये आप लोग को समझ आ गया हो। फेसबुक डज दिस ऑन द गो, फेसबुक डज दिस ऑन द गो, ठीक है, लाइक फेसबुक, मैं ये आप लोग को सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मतलब फेसबुक हर वक्त ये चीज एनालाइज करता रहता है, हर वक्त देखता रहता है।
आप अपनी इन चीजों को बेहतर भी कर सकते हो आपका बैक एंड पे। और ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ये आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं फेसबुक से बात भी करता हूँ हफ्ते में 2 से 3 बार। और ये मैंने आप लोगों को बताया भी है कि फेसबुक के पास बैक एंड पे आप लोग का स्कोर, एक ये स्कोर होता है जो आप लोग के पास दिख रहा होता है, एक स्कोर और होता है जो फेसबुक को दिख रहा होता है। और फेसबुक को ये पता होता है कि आपकी क्वालिटी और क्या क्या चीजें अच्छी हैं और बुरी हैं, और फेसबुक हर वक्त इन चीजों को वो कर रहा होता है। अब मैं आप अब्दुल रहमान, मैं आप लोग को जो है ना एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा बकायदा, मैं आप लोग को ऐसी ऐसी जबरदस्त माइंड बॉगलिंग एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा कि आप लोग को समझ आ जाएगी हर चीज। ठीक है, ओके। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ एड रेलिवेंसी एंड क्वालिटी, एड रेलिवेंस एंड क्वालिटी। सो एज्यूमिंग you have a good offer, your main focus should be improve the relevance to improve the cost. So what you say and what they're interested in, when I talk about there, I talk about the customers, and that middle area, that sweet spot, is known as the relevance. What you want to say and what would they want to hear. For example, aap branding ki baat karte, aap bolte hai I want my word out in the market. So is what you want to say, बट आपके कस्टमर्स को क्या चीज चाहिए वो चीज भी जरूरी होना चाहिए आपके उस एड के अंदर, तभी रेलिवेंस क्रिएट होगा वरना नहीं होगा। एंड द टू सिंपल अप्रोचेस टू डू दिस इज आइडेंटिफाई टॉप ऑडियंसेस दैट आर इंटरेस्टेड, एंड ये आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट डूइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन टू फाइंड द स्वीट स्पॉट और द रेलिवेंट स्पॉट फॉर योर एड्स। Identify top audiences that are interested in your product, number one. And how are we going to do that? Woh zahir si baat hai, main aapko with time batunga. Number two, test new creative to see what resonates with the audience. Two most important points. जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर मैं आप लोग को इतना ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा कि प्रॉबेबली एक पॉइंट पे आप लोग जाके बोलोगे कि सर प्लीज आज के लिए बंद करते हैं क्लास को, टू मच हो गया। सही है? So, So, एक चीज और आप लोग को खास ख्याल रखना है, ठीक है, कि डेटा इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड कॉन्टेंट इज द किंग। ये मैंने यहां पे नहीं डाला लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्टेंट इज द किंग एंड डेटा इज योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, देखिए व्हेन आई टॉक अबाउट डेटा इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आई वॉन्ट यू ऑल, एंड आपकी मर्जी है कि आप किसी और से काम करवाओ, एंड मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने किसी और से ये काम करवाना है तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पे बैठेंगे ही नहीं, वो बस किसी और को बोलेंगे भाई तुम ये जाके लेक्चर देख लो और समझ जाओ सारी बातें, और तुमने आज से ये मेरे लिए करना है। और अगर आप लोग कोई खुद से करना है तो तभी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। तो आप जो भी शख्स देख रहा है उसको ये बात समझना जरूरी है कि फेसबुक एड्स जो लोग समझते हैं ना कि बस वो मेरे पास जो है ना अपने पेज के ऊपर बूस्ट का ब्लू कलर का बटन आ रहा होता है, उसको मैं बूस्ट पोस्ट दबा देता हूँ और फेसबुक एड्स चल गए, वाह भाई वाह, इतना आसान है फेसबुक चलाना, मुझे तो पता ही नहीं था आज से पहले। तो बिल्कुल गलत आपकी अप्रोच है, बिल्कुल गलत अप्रोच है। आप करते जाए वो और आप यही बोलते रहेंगे कि फेसबुक घटिया प्लेटफॉर्म है, मुझे रिजल्ट्स नहीं देता, ये मुझे समझ नहीं आता कि किस काम का है, मतलब मेरे तो किसी काम का नहीं है, मुझे लगा था कि मैं ऑनलाइन बिजनेस लेके चल सकता हूँ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। सी दिस इज आई टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, बी एट एनी बिजनेस आउट देयर इन द वर्ल्ड, आपका जो डेटा है ना वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है ऑनलाइन, और आप उसको करोड़ों 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 में बेच भी सकते हो अगर चाहो तो, डिपेंडिंग कि कितना डेटा, ऑब्वियसली मैं बहुत बड़े डेटा की बात कर रहा हूँ, तो वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का। इफ यू नो एग्जैक्टली आपकी ऑडियंस कौन है, और आप ऐसे नहीं पता लगा सकते, लोग ज्यादातर ये बात बोलते हैं और समझते हैं, ठीक है, कि मैं जब कोई एड चलाता हूं तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस कौन है, मेरी डेमोग्राफिक्स कौन है, मेरे प्लेसमेंट्स कौन सी हैं, मेरे जो ना एड कॉपी अच्छी कौन सी चलेगी, मेरी बेस्ट हेडलाइन कौन सी है, मेरी बेस्ट एड्स कौन से हैं। दिस इज बुलशिट एक्चुअली, आपको नहीं पता ये बात, आपको डेटा कलेक्ट करना है और आपको पैसा फेंकना है
बिकॉज लाइक आई सेड कि वो डाटा कलेक्ट करके आपके पास आपके फेलियर्स और आपके वो पॉइंट्स भी आएंगे विच आर नॉट वर्किंग फॉर यू, विच आर अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, ताकि आपको पता चले कि वॉट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर माई बिजनेस. एंड दैट कैन ओनली बी डन आफ्टर इवेल्युएटिंग द डाटा दैट यू हैव दैट यू रिसीव फ्रॉम फेसबुक एड्स और एनी अदर प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो फेसबुक कलेक्ट डाटा थ्रू पिक्सल हु विजिट्स योर वेबसाइट एंड विच इवेंट्स दे ट्रिगर. सिंपल, फेसबुक पिक्सल मैंने आप लोगों को बता दिया था पहले भी, और मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से सबसे अच्छी एग्जांपल जो है, इफ यू गो बैक टू दैट वन रिसर्च प्रोडक्ट रिसर्च मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया है, उससे काफी कुछ आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा. वो मैंने अपनी क्लास में समझाया भी था आप लोगों को, फेसबुक करता ही है कि आपके बिहेवियर को देखता है और वो बिहेवियर पिक्सल के थ्रू फेसबुक तक पहुंच रहा होता है. ठीक है, वो बिहेवियर पूरा फेसबुक को पिक्सल के थ्रू पहुंच रहा होता है. तो जब आप कोई इवेंट ट्रिगर करते हो तो फेसबुक आपके उस बिहेवियर को समझ रहा होता है. ठीक है, तो उस बिहेवियर को समझ के फिर वो आपको आपको रेलेवेंट चीजें आपके न्यूज फीड पे आप लोग को दिखाता है. वो बोलता है भाई जुलकर रैन इन चीजों में इंटरेस्टेड है, तलाल इन चीजों में इंटरेस्टेड है, मोतेशम इन चीजों में इंटरेस्टेड है, हमजा इन चीजों में इंटरेस्टेड है, उस्मान इन चीजों में इंटरेस्टेड है, तो मैं आप उसको उसके लिहाज से चीज दिखाऊंगा, उसके लिहाज से वो चीज उसको दिखाऊंगा. ठीक है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. सो वंस यू हैव द डेटा फाइंडिंग द राइट ऑडियंस इज इजी यूजिंग कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन. Once you have the data, finding the right audience is easy using conversion optimization and lookalike audiences. Lookalike audiences के ऊपर मैं बाद में आऊंगा. और इसकी साइंस है, मतलब साइंस से मतलब ये कि एडवर्टाइजर के लेवल पे साइंस है कि बनती कब है, कैसे बनती है, क्यों बनती है. ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं बोलते हैं और ये गलती करते हैं, ओहो लुकलाइक ऑडियंसेस तो मैंने बहुत सुने हुए इन्फ्लुएंसर से बोलते हैं लुकलाइक ऑडियंसेस बनाओ, मैंने तो लुकलाइक ऑडियंसेस बना दिए, मुझे तो एक ढेले का भी वो फर्क नहीं पड़ा. बिकॉज यू आर डूइंग इट द रॉन्ग वे. ठीक है, जी अब्दुल रहमान आप सही कह रहे हो. तो सक्सेसफुल ई कॉमर्स एड्स आर अबाउट प्रूवन ऑफर. आपकी ऑफर अच्छी होने जरूरी है. अगर आप ऑफर वही चीज कर रहे हो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कोई चीज एंटाइसिंग नहीं है, वाव फैक्टर नहीं है, और आप चलो वाव फैक्टर नहीं है, साथ में एक बात कह रहा हूं मैं, आप लेके जाते हो और मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसे कस्टमर्स आते हैं और फिर बोलते हैं मेरे पास सेल्स क्यों नहीं आ रही. सही है, आप बोलते हो मैंने ये पिलो बेचना है. अच्छा चलो ठीक है, पिलो बेचना है, इस पिलो में क्या खासियत है? कुछ भी नहीं है, बस पिलो है. अच्छा मतलब, अच्छा चलो ठीक है, फिर प्रोबेबली इसकी प्राइसिंग में कुछ खासियत होगी. ये ₹1 का बेच रहे हो तुम, क्या ₹5 का बेच रहे हो? बोलते हैं हाँ, मतलब ये क्वालिटी में तो उतना ही अच्छा है जैसे कोई गुल अहमद के पिलोज होते हैं या किसी भी अच्छी कंपनी के पिलोज होते हैं. ठीक है, लेकिन नहीं प्राइसिंग भी वही है, तो ऑफर भी आपकी घटी है. तो व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट, मतलब आपकी ऑफर भी तो कुछ होनी चाहिए ना. एंड देन डेटा कलेक्शन, तो मतलब डेटा कलेक्शन का फायदा नहीं हुआ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन फिर देन अगेन आप अपना पैसा फेंक रहे हो. तो यू हैव टू नो दैट आपके ऑफर जो है वो प्रूवन ऑफर हो, आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि लोगों को लगे कि हाँ सही है, मतलब कुछ तो डिफरेंट है कि मैं बाहर स्टोर से जाके वही चीज खरीदता हूँ, वही एड मुझे ऑनलाइन दिख रहा है, तो मुझे फायदा क्या है पैसे फेंकने का. एंड क्रिएटिव ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियसली. ठीक है, उसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे. सो टाइम क्यों हो रहा है? ओके एक सेकेंड रुकिएगा, जरा पानी पी लूं. दिस इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक. एक बात बताएं आप लोग को, क्या इस चीज के ऊपर वॉक थ्रू करवाने की जरूरत है कि एड्स मैनेजर बनता कैसे? मैं आप लोग से सवाल करना चाह रहा हूँ ताकि मुझे इस चीज का आइडिया हो जाए. अच्छा भाई, मसला ये है कि मेजोरिटी लोगों का यस आए, तो आई हैव टू स्टिक टू यस, बट हियर्स व्हाट आई कैन डू. एंड आई एम दिस मैसेज गोज फॉर ऑल द पीपल जो के जिन्होंने यस बोला है. मैंने तरीका डाल दिया है एड्स मैनेजर बनता कैसे, मैं बस एक सरसरी उसके पॉइंट के ऊपर से जाऊंगा ताकि आप लोग को समझ आ जाए. सही है, काफी डिटेल तरीका डाले तो आप लोग को ये हल, आपका मसला हो जाना चाहिए. एक मिनट रुकिएगा. अच्छा
कि एड मैनेजर बनता कैसे है और क्या ये वो सारी चीजें, लेकिन मैं एक कंफ्यूजन फेसबुक ने जो क्रिएट करी हुई है दुनिया भर के लोगों के लिए, वो मैं जरा आप लोग से बात करते चलूं ताकि आप लोग समझ आ जाए, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आप लोग के बात बता दूं, और प्रॉब्ली मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करना भूल गया, एक मुझे स्लाइड ऐड करनी थी वो मैं करना भूल गया हूँ, ऊप्स सॉरी, दिस शुड गो अप। या सो अब लोगों को थोड़ा सा ये होगा कि अच्छा मैं ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में लेके जा रहा हूँ, इस वजह से मैंने बात बोली हुई, नहीं तो मैं इस तरह ये बात इधर प्रॉबली पोर्ट्रे भी नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। दो तरह के एड्स मैनेजर्स होते हैं, एड दोनों सेम होते हैं, फर्क नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दो तरह के एड्स मैनेजर क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है डोरमेंट, जब आप पहली बार अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाते हो ना लाइफ में, तो एक एड्स मैनेजर फेसबुक जो है आपको तोहफे में वैसे ही दे देता है, बोलता है ये लो एड्स मैनेजर हमारी तरफ से, सही है, उसमें कुछ ये नहीं होता, पैसे डले हुए होते हैं या कोई चीज, लेकिन क्या कि वो वाला एड्स मैनेजर आपको फेसबुक वैसे ही दे देता है, बोलता है ये लो भाई एड्स मैनेजर, इसके ऊपर अगर आपको अपना काम स्टार्ट करना है कर लो। ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले और काफी साल पहले, मतलब कैसे बोलूं 2015-16 से, में जो असल लोग यूज करते थे एड्स मैनेजर वो होता था पर्सनल एड्स मैनेजर। मैं इसको पर्सनल का नाम दे रहा हूं जबकि फेसबुक ने कोई ऐसा नाम नहीं दिया हुआ, ये मैं इसको नाम दे रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है? यार क्या तुम लोग थोड़े से तफरी वाली बातें थोड़े से छोड़ दो, क्या बात चल रही है, मतलब क्या बात चल रही है भाई, क्या मसला हो गया? तुम लोग के मैसेजेस की वजह से दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भाई मैं क्या करूं, वो क्या बोल रहा है, और आप लोग आपस में बात करना बंद कर दो ना। आप लोग को सवाल करना है, आप सवाल थ्रो करो, बीच में डिस्टर्बेंस क्यों ला रहे हो? अगर जिसको नहीं समझना है तो वो चला जाए यहां से। तो भाई दो तरह के हमारे पास एड्स मैनेजर्स होते हैं, वन इज बेसिकली अटैच टू योर प्रोफाइल, और जो प्रोफाइल के साथ अटैच्ड होता है उसको एक्टिवेट करने का एक सिंपल तरीका है, वो ये सामने मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है? स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर करके, ठीक है? और आपको पहले टॉप राइट पे जाना होगा, टॉप राइट पे जाने के बाद सेटिंग्स पे जाना होगा, फिर ये बता रहा है स्टेप, ये स्टेप टू था सही है, स्टेप थ्री क्या बता रहा है, पेमेंट्स में जाना होगा आपको, सही है? पेमेंट्स में जाने के बाद आपको एड्स मैनेजर पे जाना होगा, ठीक है? एंड दिस इज वेयर यू विल सी ऑल द, बेसिकली ऑल नहीं, आपको सिर्फ अपना दिख रहा होगा, ये तो मेरे सारे क्लाइंट्स हैं तो यहाँ पे दिख रहा है। इस जगह पे आने के बाद आपको, जैसे कि मेरा है ना यहाँ पे मुईज खान के नाम से होगा ये आ रहा, ठीक है? आपको अपना एड्स मैनेजर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? व्हाट वाज द टाइम जिस वक्त मैंने करा है, अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हो गया है इस पूरी सेशन को स्टार्ट हुए हुए, आई थिंक ऑलमोस्ट 55 मिनट्स, सही है, थैंक यू, ठीक है, ओके। तो यहां ऐसे आप अपना जो डोरमेंट एड्स मैनेजर होता है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एड्स मैनेजर में जाने के बाद आपको बिलिंग एंड पेमेंट्स पे जाके
अपना क्रेडिट कार्ड लगाना होगा, विच इज ऑन द टॉप राइट, टॉप राइट पे। अच्छा ये बात बता दूं, आप लोग के पास ये चीजें थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होंगी, क्योंकि मेरी स्पेंड हमारी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, तो फेसबुक जो है हम लोग को वो वाला एड्स मैनेजर का पूरा लुक एंड फील देता है जो अभी यूएस में चल रहा होता है। आप लोग का काफी डिफरेंट हो सकता है, काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आप लोग जाओगे बिलिंग में, और बिलिंग में जाने के बाद पेमेंट सेटिंग्स यहाँ पर आ रहा होगा एज फार एज आई नो, हाँ। और पेमेंट सेटिंग्स पे जाने के बाद आप लोग अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा दोगे, ठीक है। दैट्स हाउ इट्स डन। वंस दैट इज सेट अप, आप यहाँ पे जाके फिर एड्स क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। आ जाओ, ये तो हो गया पर्सनल एड्स मैनेजर। लेकिन ये 2015, 2016 में और 2017 में बहुत ज्यादा यूज होता था। 2017 से लोग, मिड 2017 के बाद लोगों के पास अवेयरनेस जागना शुरू हो गई कि नहीं यार, लोगों को बिजनेस मैनेजर पे काम करना चाहिए, ना कि एड्स मैनेजर के ऊपर। अब बिजनेस मैनेजर क्या चीज है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर बेसिकली एक सिंगल एक एरिया है जहां पे सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं, जहां से आप अपना एड्स मैनेजर, पेज, कैटलॉग्स मैनेजर, हर चीज मैनेज करते हो। बेसिकली आप एक ही जगह से, इफ यू आर मैनेजिंग, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बिजनेस मैनेजर दिखाता हूँ। बिजनेस मैनेजर के दो तीन तरीके जाने के और क्रिएट करने का भी। क्रिएट करने का सिंपल तरीका ये लिखा हुआ, क्रिएटिंग अ बिजनेस मैनेजर, ये रहा। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पे जाओगे, हर पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज मैंने लिखी हुई है। तो आपको पेज है, जब आपका बन जाएगा बिजनेस मैनेजर, और आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस बिकॉज ये आप लोग स्टेप्स को फॉलो करके पूरा आपका बिजनेस मैनेजर रेडी हो जाएगा। पेज ऐड करना होगा आपका, जो भी बिजनेस पेज है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपना पेज ऐड करने के लिए आपको रिक्वेस्ट एक्सेस करना होगा। फिर आपको यहाँ पे जो है ना अपना पेज का नाम लिखोगे, तो पेज जैसे ही सामने आ जाएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड पेज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको ऐड अकाउंट ऐड करना होगा अपने बिजनेस मैनेजर के ऊपर। तो बिजनेस मैनेजर, पहले मैं आपको बता देता हूँ दिखता कैसे। ये जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसका बिजनेस मैनेजर है, और इसका फ्रंट जो दिखता है ये नहीं है, आप इसको छोड़ दें। बिजनेस मैनेजर का जो फ्रंट दिखता है वो ऐसा दिखता है, ऐसे ये फ्रंट दिखता है आपका। जब आप सारी चीजें अटैच कर दोगे ना, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, पीपल पीपल आर बेसिकली आपकी जो पूरी टीम है, सही है। जब आपका सब कुछ ऐड हो जाएगा तो ऐसे आपका बिजनेस मैनेजर दिखेगा। ये मेरा हमारा ऐड अकाउंट है और ये हमारे पेजेस हैं। आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स एक ही जगह पे सारे ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल पेजेस सारे एक ही जगह पे ऐड कर सकते हो। पहले कैसे होता था वो तरीका, अभी भी एक्टिव है, लेकिन अब लोग इस तरह नहीं करते कि एक एड्स मैनेजर, सिर्फ एक पर्सनल एड्स मैनेजर का एक्सेस लोग जो है ना किसी भी एडवर्टाइजर को दे देते थे। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये देख सकते हैं आप लोग, तकरीबन 75 एड अकाउंट्स एडेड है यहाँ पे, लेकिन ये अलग अलग लोगों के हैं, अलग अलग बिजनेसेस के हैं। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है कि लोग अपने बिजनेस मैनेजर का जो टॉप राइट पे जो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ पे आप बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करते हो और उसके उससे रिलेटेड सारे एड्स मैनेजर और बिजनेस बिजनेस पेजेस सारे सामने आ जाते हैं आपके, सारे सामने आ जाते हैं, पूरी डिटेल्स उससे रिलेटेड सामने आ जाती हैं। और ये बिजनेस मैनेजर का बैक एंड है जो कि बिजनेस सेटिंग्स हैं, जहां पे आप जाके आप लोगों को ऐड करते हो, आप पेजेस ऐड करते हो, आप ऐड अकाउंट्स ऐड करते हो, आप सारी डिटेल्स देते हो रिलेटेड टू द बिजनेस, ठीक है। दिस इज हाउ इट नाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज द राइट वे टू डू इट। सम पीपल विल आस्क मी कि सर एड्स मैनेजर क्यों नहीं, बिजनेस मैनेजर क्यों? क्योंकि बिजनेस मैनेजर एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशन है। फ्यूचर में कभी भी अगर आपको अपना बिजनेस बेचना शुरू पड़ गया तो उसके साथ आपका एड्स मैनेजर भी जाएगा, क्योंकि उसमें सारा डाटा है। क्योंकि आप किसी को बेच रहे हो तो सारे डाटा पॉइंट्स भी बेचोगे, आप अपना पिक्सल भी बेचोगे, आप सारी चीजें बेचोगे। आप अपना एड्स मैनेजर किसी को दे नहीं सकते क्योंकि वो आपकी पर्सनल अकाउंट के साथ अटैच्ड है। आई होप इट मेक्स द सेंस। लेकिन बिजनेस मैनेजर का आप पूरा एक्सेस किसी को देख सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग को जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं आप लोग को इसका एक्सेस दे दूंगा। तो आई होप ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। ये तो सिर्फ मैं आप लोग को बताया था कि किस तरह आप लोग को एड्स मैनेजर या बिजनेस मैनेजर बनाना है। बिजनेस मैनेजर के अंदर भी आप एड्स मैनेजर बनाते हो, लेकिन बिजनेस मैनेजर के एड्स मैनेजर और बिजनेस पेज वगैरह सारी चीजें आप कनेक्ट कर देते हो। तो तभी मैंने ये बात बोली लेमैन अल्फाज में कि असल में हमारे पास दो तरह के तरीके हैं कि एक तो आप पर्सनल एड्स मैनेजर होता है जो पर्सनल प्रोफाइल से बनता है, और एक और एड्स मैनेजर जो होता है वो बिजनेस मैनेजर से बनता है। वही सही तरीका है बनाने का, ठीक है। और आप लोग को वही बनाना है। क्यों?
पर्सनल एड्स मैनेजर एक ही होता है, दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते। बिजनेस मैनेजर पे आप अप टू 5 एड अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, और 5 एड अकाउंट्स का क्रिएट करने का मकसद है कि आप 5 पिक्सल भी क्रिएट कर सकते हो। आपके पर्सनल एड्स मैनेजर का एक ही पिक्सल रहेगा, और उसका रीजन क्या है कि अगर आपका एक एड्स मैनेजर बैन हो गया तो आप दूसरे पे चले जाओगे, दूसरा बैन हो गया तो तीसरे पे चले जाओगे, तीसरा बैन हो गया तो चौथे पे चले जाओगे, चौथा बैन हो गया तो पांचवे पे चले जाओगे। दिस इज द रीजन, ठीक है? तो ओके, तो आई होप ये चीज तो आप लोग को समझ आ गई होगी। बिजनेस मैनेजर आप एक ही बनाओ, आपको दो बिजनेस मैनेजर्स की जरूरत नहीं है, अगर पड़े भी तो वो देख लिया जाएगा बाद में, ठीक है? फिलहाल आप लोग आगे आगे सवाल नहीं करो, फिलहाल तो यही मैंने आपको इतना कुछ बता दिया। डिफरेंस इन पेमेंट्स फॉर बोथ अकाउंट्स, डिफरेंस इन पेमेंट्स फॉर बोथ अकाउंट्स, नहीं आप पेमेंट मेथड सेम रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पेमेंट मेथड आप सेम रख सकते हो, मसला नहीं है कोई, ठीक है? तो ये तो आप लोग को समझ आ गया होगा, अब आगे चलते हैं। ये चीजें स्किप कर रहा हूं मैं, और मैं आ जाता हूं अब आप लोग को लेकर यहां पर। अच्छा, ये मैंने भी बताया, इसमें ये भी बताया मैं कि बिजनेस मैनेजर पे आप लोगों को एक्सेस कैसे देते हो, ठीक है? ये भी मैंने बताया मैं, इस पे काफी डिटेल हर चीज की मैंने दी हुई आप लोगों को, तो ये भी आप लोग देख सकते हो सुकून से बैठ के। अब मैं आ जाता हूं मेन एस्पेक्ट के ऊपर, जो के था आपका, मैं आपको एक, गाइस वीडियो स्टॉप यार, अच्छा अब लेट्स सपोज, अभी मैं आपको पर्सनल एड्स मैनेजर में दिखा रहा हूं, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर सेम ही होता है। ये मैं किस वजह से दिखा रहा हूँ, क्योंकि खाली एड अकाउंट पे आप लोगों को चीजें दिखाना चाह रहा था एक्सक्यूज मी, आप लोगों को खाली अकाउंट पे मैं सारी चीजें दिखाना चाह रहा था। अब हम बात कर लेते हैं आगे, ये आपका मेन एड्स मैनेजर का पूरा एरिया है, एंड दिस इज, ये पूरा इसका लुक एंड फील है। जब आप पहली बार आओगे तो खाली ऐसे ही पड़ा हुआ होगा जैसे मेरा पड़ा हुआ है। तो अब ये पहले मैं आपको बता दूं हर फीचर। बिजनेस मैनेजर पे टॉप लेफ्ट पे जो आप ये आइकन देख रहे हैं, पहले ये तीन लाइन, आप लोग के पास तीन लाइनें आ रही होंगी इस जगह पे, ये इसको हम लोग बोलते थे सैंडविच आइकन, लेकिन अब ये सैंडविच आइकन बेसिकली हम इसलिए बोलते थे क्योंकि थ्री लाइंस पड़ी हुई होती थी, अब ये सैंडविच आइकन नहीं रहा, सही है? यू कैन कॉल इट व्हाटएवर यू वांट, स्क्वायर आइकन, सही है? डॉटेड स्क्वायर आइकन बोल देते हैं इसको। डॉटेड स्क्वायर आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लेफ्ट पर, टॉप लेफ्ट पर, एड्स मैनेजर, एड अकाउंट सेटिंग्स, इवेंट्स मैनेजर, आप इसके ऊपर भी फोकस नहीं कीजिएगा ना, इसके ऊपर मैं सब आप लोगों को सिर्फ आइकन दिखा रहा हूं, बिजनेस सेटिंग्स, बिलिंग, ऑडियंसेस, ये 6 चीजें मेन नजर आ रही होंगी। उसके नीचे कुछ चीजें रिपीट हो रही होंगी, अकाउंट क्वालिटी, ये चीज रिपीट नहीं हो रही, ये ऊपर नहीं है। बिलिंग, सेम बिलिंग वाला आइकन यहाँ पर भी है। ब्रांड सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, ब्रांड सेफ्टी ये अलग आइकन है, इसका आपको कोई काम नहीं होगा। बिजनेस सेटिंग्स, ये वही बिजनेस सेटिंग्स है जो यहाँ पर है। इवेंट्स मैनेजर, ये वही इवेंट्स मैनेजर है जो यहाँ पर है। इमेजेस एंड वीडियोस, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टोर लोकेशंस भी आ रहे हैं आपके पास, और बहुत सारी डिटेल्स और आ रही हैं, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू गो थ्रू ईच वन ऑफ देम राइट नाउ। मैं अभी आप लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका टॉप लेफ्ट डॉटेड स्क्वायर आइकन, भूल जाए अब आप इसको, आपके पास सैंडविच आइकन आ रहा होगा। अब आ जाए मेन डैशबोर्ड के ऊपर, ये आपका मेन डैशबोर्ड है। इधर टॉप पर, अच्छा ये स्विच टू प्रीवियस वर्जन, आप लोग के पास पता है कैसा आ रहा होगा, आप लोग के पास ऐसा आ रहा होगा, ये ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा स्विच टू प्रीवियस वर्जन, ये मेरे पास आ रहा है बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया हमारी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हाई है, तो इस वजह से हमें ऐसा, आप लोग के पास ऐसा आ रहा होगा एड्स मैनेजर, ठीक है? ये आप लोग के पास लुक होगी। वैसे मैं भी रूबिक्स क्यूब ही सोच रहा था, खैर। तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज किस तरह देखते हैं हम। Is it okay with you guys if I can switch back to the new version of Ads Manager? Okay. Okay. Left hand छोड़ दें आप लोग, left hand छोड़ दें, ये मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, अभी मैं आप लोग को इधर का पूरा एरिया का बता रहा हूं। यहां पर आपका एड अकाउंट नंबर होगा,
ये नंबर आप अपने मेन डायरेक्टरी जो है फेसबुक की उसमें भी आप देख रहे होंगे, सेम एड अकाउंट नंबर है जो टॉप पे आ रहा है वो यहीं पे आ रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यार अपना एड अकाउंट नंबर देना, जरा मुझे इधर ऐड करना है उधर ऐड करना है, विच इज सेफ, कोई मसला नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है वो किस तरह कर रहा है, हो सकता है वो ओनरशिप ले रहा हो, लेकिन तरीका होता है इसका, तो आप यहां से भी उठा के इक्वल्स के बाद आप कॉपी करके भी उसको दे सकते हो, वो सेम होता है। ये एड अकाउंट नंबर यूनिक होता है हर किसी का। यहाँ पे आप टेन्योर सेलेक्ट करते हो कब से कब तक की आपको जो है ना आपको अपनी एड्स का डाटा देखना है जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होगा आपके यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपकी पिछले एक हफ्ते से एड्स मैनेजर ऑन है और आपने अपडेट नहीं करा हुआ तो आप इसको यू दबाओगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। ये डॉटेड आइकन रीसेट एड्स मैनेजर, अगर आपने कोई चीज कोई कस्टम कॉलम्स वगैरह डाले हुए या कोई चीज डाली हुई तो रीसेट कर देगा, इग्नोर दिस। अब आप आ जाएं जो एड्स मैनेजर का सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मिनट रुकिएगा, किसी ने साइन इन कर लिया था जूम पे, मेरे ख्याल से कोई समवन इज ट्राइंग टू लॉग इन, मुझे चेक करने दे कोई। अच्छा मैं देखें आज ना मैं आप लोग से क्वेश्चंस नहीं लूंगा, मैं सभी क्वेश्चंस रख लूंगा अपने पास, मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके ऊपर टाइम ज्यादा देना चाह रहा हूँ, और अगर मैं इसको टाइम नहीं देता तो ये हो सकता है चार सेशन सिर्फ फेसबुक के ऊपर बात करता रहूँ मैं आप लोग से, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको दो सेशन में आप लोग के साथ निपटा लूँ। ये आपका मेन एरिया है, इस मेन एरिया में हायरार्की फॉर्म में फेसबुक ने आपके लिए ये कैंपेन ये एरियाज तोड़े हुए, ये टैब्स देख रहे हैं, कैंपेन्स एड्स एड्स एंड एड्स। तो मैं आपको एक थोड़ा सा फनी लैंग्वेज में आप लोग को समझाऊंगा ताकि आप लोग को थोड़ा सा ये बात समझ आ जाए कि क्या है। कैंपेन्स बेसिकली घर के सरबरा हैं और इन्होंने जो है ना बेसिकली इस चीज को रखा हुआ है कि यहां पे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अगर मैं आप लोग को यहां पे दिखाना चाहूं तो यहां पे सही से दिखा सकता हूं, ये देख रहे हो आप यहां पर, ओहो आई एम सॉरी, फुल स्क्रीन करके दिखाता हूं मैं आप लोग को। कैंपेन सेलेक्ट हुई भी, अगर आप यहां पे देखो कैंपेन एडसेट्स एंड एड्स, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कैंपेन है और कैंपेन के नीचे उसकी एक फैमिली है दो एडसेट्स की और उन एडसेट्स के नीचे उसके बच्चे, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज कि कैंपेन लेवल पे हम लोग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं फेसबुक को कि हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं अपनी इस कैंपेन से। जस्ट लाइक वॉर लाइक कैंपेन जो हम लोग के आज से हजारों साल पहले होती थी, कि जब वॉर कैंपेन होती थी तो हम लोग कुछ का कुछ ऑब्जेक्टिव होता था कि भाई हम आज की वॉर से ये चीज हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते एडसेट्स, उस कैंपेन के नीचे तो उसकी फैमिली है, ठीक है। एडसेट्स मल्टीपल हो सकते हैं, एक कैंपेन कैंपेन भी मल्टीपल हो सकती है, लेकिन कैंपेन के अंदर मल्टीपल एडसेट्स होते हैं और मल्टीपल एडसेट्स के अंदर मल्टीपल एड्स भी हो सकते हैं और एक एक एड भी हो सकते हैं। तो एक कैंपेन है उसके नीचे एक एडसेट मैंने बनाया हुआ है जिसका नाम पीके नो इंटरेस्ट है और उसके नीचे और उसके बच्चे उन वो है एड्स। कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, एडसेट लेवल पे टारगेटिंग बजट प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन एंड बिड डिसाइड होता है, और एड लेवल पे डिफाइन क्रिएटिव एंड एड फॉर्मेट, मतलब जो लुक एंड फील होता है ना आपके एड का वो आपको दिखता है सामने फेसबुक पे। मतलब अगर मैं अभी आ जाऊं, ये एड है, ये एड लेवल है, दिस इज द लुक एंड फील, आप इस पे एड कॉपी जो है आपकी, इसको हम एड कॉपी बोलते हैं, क्या आएगी ये डिसाइड करते हो, आपका क्रिएटिव आपकी वीडियो कौन सी आएगी, आपकी हेडलाइन क्या आएगी, आपकी हेडलाइन के साथ डिस्क्रिप्शन क्या आएगी, आपका कॉल टू एक्शन, दिस इज CTA, कॉल टू एक्शन बटन मतलब लर्न मोर बटन आपका क्या आएगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती है एड लेवल पे, ठीक है। कैंपेन लेवल पे ऑब्जेक्टिव अगर मैं क्रिएट करूंगा तो देखिएगा सामने ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, आ गया, चूज योर ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस कंसिडरेशन कन्वर्जन, अवेयरनेस के अंदर ऑब्जेक्टिव्स है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, कंसिडरेशन के अंदर है ट्रैफिक एंगेजमेंट ऐप इंस्टॉल्स वीडियो व्यूज लीड जनरेशन एंड मैसेजेस, एंड कन्वर्जन के अंदर है कन्वर्जन कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक।
और आप लेफ्ट पे भी देख सकते हो कि कैंपेन लेवल पे ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होगा। ठीक है, जरा मैं इधर आ जाता हूँ तो इधर सही से बता सकता हूँ। एक बार फिर दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, सिंपल। मेरी एक कैंपेन है, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं हाँ, तो मेरी एक कैंपेन है, मैं अभी प्लीज डोंट जंप टू स्टफ, आई नो विच इज टोटली फाइन। मेन ऑब्जेक्टिव जो है आपका ड्रॉपशिपिंग की तरफ कन्वर्जन होगा, सही है। दीज आर लाइक द मेन ऑब्जेक्टिव, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, और फिर उसके नीचे सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। इट्स ओके टू आस्क। ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि कितना डिटेल में जाने वाला है, तो इट इज गोइंग टू गो इन अ लॉट ऑफ डिटेल एक्चुअली, तो इस वजह से आई एम टेकिंग थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, इट्स ओके। सो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये मेरी बहुत सारी कैंपेन्स मैंने जो है ना पिछले 2 साल में बनाई हुई है, एंड इस एड्स मैनेजर की जो टोटल स्पेंडिंग है आज तक की इज अराउंड 1,60,000 डॉलर, सही है, 2 साल के अंदर। और अब हम लोग मंथली तकरीबन $30,000 स्पेंड कर रहे होते हैं, और रोज हमारी स्पेंडिंग जो होती है एड्स के ऊपर तकरीबन 1,500 से $2,000 तक की होती है अब। तो या दिस इज ऑल कन्वर्जन। तो अब जैसे आप ये देख सकते हो, मैं अगर आप लोग को ये वाली कैंपेन लगाऊं, अब इस कैंपेन को मैं ड्रॉप डाउन भी कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं ना एरो आ रहा है, ड्रॉप डाउन भी कर सकता हूँ, तो इसके साथ की सारी फैमिली आ जाएगी जो कि एड सेट्स हैं, सही है। और इसके ऊपर क्लिक भी कर सकता हूँ, जब मैं क्लिक पे करूंगा तो ये देखिएगा ब्लू हाईलाइट हुआ है, फिर ये ब्लू हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं कौन सी वाली कैंपेन पे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इस वाली कैंपेन पे, जेनेरिक एक्विजिशन ए। जैसे इसके अंदर गया मैं तो इससे रिलेटेड इसके अंदर सारी बाकी कैंपेन्स आ गई। कितने एड सेट्स हैं, सॉरी एड सेट्स आ गए, आई एम सॉरी, एड सेट्स आ गए, कितने एड सेट्स हैं, 22 एड सेट्स, ठीक है। हर एड सेट के अंदर एड्स भी हैं, मैंने बोला था ना कि टॉप पे सरबरा है, उसके नीचे उसकी फैमिली है एड सेट्स की, और उसके नीचे उनके बच्चे हैं। अब बच्चों भी दिखा देता हूं, हर एड सेट में कितने बच्चे हैं ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका भाई ड्रॉप डाउन करके, अभी ये हाईलाइट हुआ है, अगर मैं उस एड सेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो एड लेवल हाईलाइट हो जाएगा टैब का, सही है। तो अब इसके अंदर इसके साथ के जितने भी बच्चे हैं या जितने भी एड्स हैं वो सारे सामने आ गए। प्लीज मैं इन सवालों के जवाब, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन के आरिफ हबीब की स्पेंडिंग है या एमसीबी की स्पेंडिंग है, एमसीबी आरिफ हबीब की स्पेंडिंग है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल अबाउट हाउ थिंग्स वर्क, एंड आई थिंक दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट किसकी स्पेंडिंग कितनी है। सो ये उसके साथ के सारे एड्स आ गए, एज यू कैन सी, ठीक है। और मैंने उनमें से कुछ ऑफ करे में, कुछ ऑन रखे में, लेकिन आई होप आप लोग फैमिली स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। तो अगर मैं लेट्स सपोज यहां से टॉप लेफ्ट से सारे एड सेट सेलेक्ट कर लेता हूं, 22 एड सेट्स, और उस पे जाऊंगा, फिर मैं एड लेवल पे क्लिक करूंगा डायरेक्ट टैब पे, तो मुझे 22 एड सेट्स के सारे एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे और उनके सारे रिजल्ट्स भी राइट हैंड साइड पे दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मेरे पास गाइस, अच्छा मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूँ, असल में मैं ये चीजें एंटरटेन करने नहीं, मैं तुम लोग को समझाने बैठा हूँ, ये चीजें बात की चीजें कि मैं तुम लोग को बताऊं तुम लोग होता क्या है। अब देखो समझने की कोशिश करो, जब तुम लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल करते हो ना तो होता ये है कि बाकी लोगों का भी दिमाग उस तरफ चला जाता है, और फिर जब उस तरफ मैं तुम लोग को एग्जाम्पल देना शुरू करूंगा तो फिर मेन जो पॉइंट था वो मिस आउट हो जाएगा। इस वजह से मैं चाह रहा होता हूं कि कीप द क्वेश्चन रेलेवेंट टू दिस, बिकॉज़ द स्पेंडिंग हैज नथिंग टू डू विद दिस। मैं कितने फाइवर कस्टमर्स के लिए कितनी कैंपेन्स चला रहा हूं, कितने एड सेट्स चला रहा हूं, कितने एड्स चला रहा हूं, कितनी कैंपेन्स चला रहा हूं, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑल ऑफ दिस। द मेन थिंग इज कि तुम लोग को ये चलाना आए, मैं तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है इससे कि मैं कितने, मेरे पास 75 एड अकाउंट्स है, मैं उन पे डेली कितनी स्पेंडिंग कर रहा हूं, मैं हर कस्टमर की कितनी स्पेंडिंग है, इतनी स्पेंडिंग क्यों, दिस इज नॉट रेलेवेंट। रेलेवेंट इज कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये चीज कि आप लोग को किस तरह काम करना है, तुम लोग इसी चीज में पड़े रह जाओगे कि भाई तुम कितनी स्पेंडिंग कैसे कर रहे हो, समझने की कोशिश करो, ये तुम लोग के लिए ही है प्लीज, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोग पूरा स्ट्रक्चर समझ गए हो, और मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं इसको जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके तुम लोग को समझाऊं, तो ये तुम लोग को समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते, ये ऑब्जेक्टिव थे,
तो सेटिंग अप एडसेट्स, अब मैं तुम लोग को एक आखिरी चीज और बता देता हूँ. मैंने तुम लोग को बताया था कि एडसेट लेवल पे टारगेटिंग, बजट प्लेसमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन होती है, राइट. जब मैं क्रिएट कैंपेन करने जाता हूँ तो क्रिएट कैंपेन पे मैं लेट्स सपोज बात करता हूँ कि कन्वर्जन कैंपेन है. कन्वर्जन कैंपेन पे मैंने उसका कुछ भी नाम दिया, टेस्ट नाम दिया, और मैंने बोला कंटिन्यू. कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव्स मेरे आ गए. मैंने बताया कि भाई कौन सा कन्वर्जन, मैं अभी बता नहीं, ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कैसे क्रिएट करा, ये टेस्ट है ना यहाँ पे, आई विल कीप इट टेस्ट ओवर हियर, सही है, ये बाद में बताने की चीज है. मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा, एड सेट सेलेक्ट करना होगा, टारगेटिंग, बजट प्लेसमेंट, ऑप्टिमाइजेशन एंड बिड. चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल है. लोकेशंस, एज, जेंडर, लैंग्वेजेस, टारगेटिंग, प्लेसमेंट्स, मैनुअल प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं हम लोग, सही है, और बिड, और डेली बजट क्या रखना है आपको, ठीक है. वही सेम चीजें सारी मेंशन हुई भी हैं. एड लेवल पे क्या, डिफाइन क्रिएटिव एंड एड फॉर्मेट. चले मैं एक बात बोलता हूं, अगर मैंने सारी चीज, अब मैं आ जाता हूँ एड फॉर्मेट पे ऊपर, कि एड दिखेगा कैसा है. दिस इज द फ्रंट एंड, कि आपका जो एड है वो पेज सेलेक्ट करा, किस पेज के साथ जो है ना ये एड चल रहा हो, सही है. मैंने सिंगल इमेज और वीडियो कलेक्शन दिखानी है, कैरेजल दिखाना है, सिंगल इमेज सेलेक्ट कर ली, आगे गए प्राइमरी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ABC 1 2 3 ये लिखा हुआ आएगा आपके एड के ऊपर, सही है. मैंने लेट्स सपोज एड इमेज सेलेक्ट करी, ठीक है, ये एड इमेज सेलेक्ट करी, इसके साथ ABC 1 2 3 ऊपर आ रहा है, हेडलाइन है यहाँ पे, हेडलाइन इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी, सही है. डिस्प्ले यूआरएल क्या रखना है, डिस्प्ले यूआरएल लेट्स सपोज मुझे अपनी कंपनी का रखना है, तो मैंने वो रख दिया, यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. लर्न मोर को चेंज करके मैं बोलता हूँ, नहीं यार मेरा साइन अप है, मैं लीड्स कलेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने साइन अप रख दिया, यहाँ पे साइन अप हो जाएगा, ठीक है. डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट के नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ रही हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, ठीक है, तो ये इसके नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द लुक एंड फील कि आपका एड एग्जैक्टली फ्रंट एंड पे आपके कस्टमर्स को दिख कैसा रहोगा. तो ये बात तो मुझे मुझे लगता है मैंने कंप्लीट कर ली, देयर इज नो मोर कि मैं इसके ऊपर मजीद बात करता रहूं, डिटेल्स के ऊपर जाता रहूं. हाँ यहाँ पे ये आपका दिखाता रहेगा कि आपका डेस्कटॉप पे कैसा दिखेगा एड, ऐसे दिखेगा, सही है. आपके जो है राइट कॉलम पे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है. सिर्फ इमेज दिखेगी, वीडियो नहीं दिखेगी, क्योंकि राइट कॉलम पे सिर्फ इमेज आती है, सही है. आपका जो है एड वो स्टोरीज पे कैसा दिखेगा, क्योंकि ये ऑप्टिमाइज नहीं है स्टोरीज के लिए, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बल्कि हाँ प्रोपोर्शन में खुद ब खुद ले आया इसको श्रिंक करके, लेकिन स्टोरीज के लिए बेस्ट होता है कि आप इसको प्रोपोर्शन पे रखें, सही है, सही से, ताकि ये पूरा आपकी इसके ऊपर आ रहे हो. स्टोरी एड्स के ऊपर मैं बाद में आऊंगा, कैसे क्रिएट करते हैं बाद में आऊंगा, लेकिन आई होप यू गाइस गॉट द होल पॉइंट कि ये कैसे सब कुछ क्रिएट होगा. एक मिनट रुकिएगा, ठीक है. सो या ये आपको मैंने वही चीजें यहां पे बताई हुई है कि सेटअप कैसे करते हैं एड सेट्स को, एड्स को, सारी चीजों को, ये मैंने सारी डिटेल्स यहां पे डाल दी हैं, ठीक है. तो मुझे वैसे फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया. अब मैं आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दूं, स्टेप टू, और प्रोबेबली इसके बाद मैं क्लोज डाउन कर दूंगा इस टॉपिक को, बिकॉज टू मच इन्फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज यही थोड़ा सा यहां से थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स होना शुरू हो जाएंगी. वी विल स्टार्ट एस्केलेटिंग नाउ फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स, के मतलब एक्सेलिंग के चीजें काफी डिटेल्ड होती जाएंगी. हमारे पास फेसबुक पे तीन तरह के बजट ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं. एक होती है एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, एक होती है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और एक होती है लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन. अगर मैं आपको ये बोलूं कि इनके शॉर्ट फॉर्म्स जो हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी में यूज करते हैं वो होते हैं एबीओ, सीबीओ एंड एलटीबी. एबीओ एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एंड एलटीबी लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन. एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं. आज से 2018 में फेसबुक ने पाकिस्तान में एटलीस्ट रोल आउट करा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन.
पता नहीं शायद 2017 में बाहर भी कर दिया हो, लेकिन 2018 में, तो 2018 से पहले क्या होता था, 2018 के एंड में और 2019 के शुरू में, ऐसे ही कुछ। 2018 से पहले हम चलते थे एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, ठीक है। एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, हम, और आप इधर कैंप इधर देख भी सकते हैं स्लाइड्स के ऊपर, हम अपना पैसा लगाते थे एडसेट लेवल पे, मतलब कैंपेन की जो फैमिली थी ना, हम उसको देते थे बजट। जैसे आपके 3 घर हैं और आपने तीनों घरों में लेट्स सपोज $1,000 दे दिया, और आपने बोल दिया कि भाई घर चलाओ। लेट्स सपोज एक छोटी सी बात बोल देता हूं मैं, छोटी सी एग्जाम्पल, आपके आप अपने घर में रह रहे हो, आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है, वो अलग अलग घर में रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, लेट्स सपोज आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, और आप हर महीने उनको $1,000 भेजते हो, और आप बोलते हो कि भाई ये लो $1,000, तुम्हारी फैमिली है, अभी तुम नहीं कमा रहे। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे भी, जो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आप बोलते हो आप आपकी ये फैमिली है, तुम्हारी शादी हुई भी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा कुछ भी है, आई डोंट केयर, तुम्हें मैंने ये $1,000 का बजट दे दिया है, तुमने अपने नीचे के बच्चों को या अपने सारे एक्सपेंसेस को अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। आपने बजट डायरेक्टली कहां लगाया, एडसेट लेवल पर। दिस इज जो पूरी, जब से एड्स फेसबुक एड स्टार्ट हुए थे, हम यही करते थे, हम यही करते थे कि हम बजट को एडसेट लेवल पे लगाते थे, ठीक है। तो अगर मैं इस बारे में बात करूं तो इसकी सिंपल एग्जाम्पल ये है, और मैं आप लोग को बता भी देता हूं। लेट्स सपोज मैं ये वाली कैंपेन की बात कर रहा हूं, इधर एडिट दबाऊंगा तो यहां पे आप देखोगे ये ऑफ हुआ हुआ है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हुई हुई है। जब हम ऑफ करते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को, ऑटोमेटिकली कैंपेन उठ के एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन पे चली जाती है। दैट इज हाउ एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन इज टर्न ऑन। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, एबीओ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, पहले तो ये बात याद रख लो, ठीक है। तो मैंने इस पे एबीओ ऑन करा हुआ है। अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि एबीओ कब ऑन करते हैं, सीबीओ कब ऑन करते हैं, बिकॉज ये एक अलग साइंस है इसके ऊपर, ठीक है। अब एबीओ के ऊपर मैंने जो है ये एडसेट्स बनाए हुए हैं 10, ठीक है, मैंने 10 एडसेट्स बना दिए उठा के एबीओ पे, और मैंने हर एडसेट को एक बजट दिया हुआ है। अब अंदर चल के देखते हैं क्या बजट दिया हुआ है, चेक करते हैं। वेट, ये रहा $100, $100 इसको दिए मैं, $100 इसको दिए मैं, $100 इसको दिए मैं, $100 इसको दिए मैं, सबको $100 दिए मैंने, सबको $100 दिए मैंने, सही है। मैं ये कर सकता हूं, मेरे ऊपर है। हो सकता है मेरे इन सारे जो भी, मतलब ले सपोज ये मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दी, एक बाप है, उसके सारे ये बच्चे अब्रॉड रह रहे हैं, 10 बच्चे, और हो सकता है ये एक सस्ती जमीन पे रह रहा हूं, तो मैं इसको $1,000 की जगह, $100 की जगह मैं इसको कम करके $50 कर दूं। ये महंगी जमीन पे रह रहा हूं तो मैं इसको बढ़ा के, यहीं से भी आप बजट को एक सेट कर सकते हैं, यहां से बढ़ा के मैं इसको बोलूं यार नहीं, इसको तो $500 में ही गुजारा होगा, सही है। और इस वाले को बढ़ा के मैं बोल दूं नहीं यार, ये जो है ना एक ऐसी जमीन पे रह रहा है जहां पे 100 भी नहीं, $250 पे होगा, इस तरह। लेकिन आप असल में इनको ऊपर नीचे कब करते हो, डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। जो यहाँ पे आपको रिजल्ट दे रहा होगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके आप इसको ऊपर या नीचे करोगे, ठीक है। आप इसको ऊपर या नीचे करोगे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स इसके सामने आना शुरू होंगे, ठीक है। तो दिस इज, लेकिन अब सवाल एक और आता है इसके ऊपर, इसके ऊपर एक और सवाल आता है। मैं असल में अपनी पुरानी कैंपेन्स की तरफ जाता हूँ जो कि 2018 में हमने बनाई थी, आई थिंक इस पे तो एक ही है, थोड़ा सा सॉरी, एक मिनट रुकिएगा, जरा मैं अपनी पुरानी कैंपेन पे जाना चाह रहा हूँ जिसपे जरा स्पेंडिंग ज्यादा हुई हुई हो। हाँ, इस पे तकरीबन $1,000 हुई हुई है ना, इस पे ज्यादा होंगे। हाँ, अब ये मैंने पुरानी कैंपेन एक निकाली है जिसपे 9 एडसेट्स थे। अब अगर आप ये देखें,
ये देखें, किसी पे मैंने $5 लगाया भाई, किसी पे $5 लगाया, किसी पे $15, किसी पे $660 लगाया भाई, किसी पे कुछ लगाया भाई, किसी पे कुछ लगाया भाई, मतलब मैंने चीजें चेंज करी हुई है। सही है? आई विल ऑब्वियसली गाइस, मैं कोई भी ऐसा पॉइंट मिस ही आउट ही नहीं कर सकता, मैं कभी भी कोई पॉइंट फेसबुक एड से रिलेटेड मिस आउट नहीं कर सकता, सारे पॉइंट्स कवर होंगे लेकिन स्टेप बाय स्टेप होंगे। ठीक है? ये एक मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो किसी पे $15 लगाए हुए, किसी पे $5 लगाए हुए, किसी पे $660 लगाए हुए, किसी पे कुछ लगाए हुए। तो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस हमने लगाए हुए, ठीक है? अभी मैं आपको परफॉर्मेंस नहीं बता रहा, अभी मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है। एबीओ में आप उसके साथ मैंने कितने एड्स लगाए हुए, दो लगाए हुए, हो सकता था ये चार भी हो जाए। चलो इमेजिन कर लो कि ये चार है या तीन है, तो क्या मैंने एड लेवल पे भी बजट लगाया हुआ? सवाल ये पैदा होता है, नहीं मैंने एड लेवल पे बजट नहीं लगाया हुआ। एड लेवल पे आप बजट लगा ही नहीं सकते, एड लेवल पे आप बजट नहीं लगा सकते। आप सिर्फ एड सेट पे लगा सकते हो या कैंपेन पे लगा सकते हो, और एलटीपी पे मैं इसके बाद आता हूं वो क्या है। तो एड सेट लेवल पे मैंने बजट लगाया हुआ है, तो इसके साथ जब मैंने इसको बोला हुआ है, लेट्स सपोज इसके ऊपर $15 की स्पेंडिंग हो पर डे, और इसके साथ मैंने अभी यार इसमें एक लगाया हुआ है, लेकिन लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि लेट्स इमेजिन कर लो, इसको मैं कर देता हूँ उठा के 50 आप लोग के सामने, ये पब्लिश होने दो मैं दिखाता हूँ। हाँ, इसको 50 कर दिया मैंने, और मैंने आगे इसके साथ चार एड्स लगाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये मत देखिएगा कि मैं डुप्लीकेट कैसे कर रहा हूँ और ये कैसे कर रहा हूँ, अभी उन सारी चीजों को छोड़ दे, अभी मैं सिर्फ आप लोग को एग्जाम्पल ये सारी चीजें बता दूंगा कैसे करते हैं। अब ये चार एड सेट, अब लेट्स इमेजिन मैं आज इस एड को रन करना शुरू करता हूँ। मैंने एड सेट पे बोला हुआ है कि यार इस एड सेट पे मेरे टोटल जो खर्च पैसे खर्च हो वो हो $50, ये रहा, ठीक है, और ये रहा इसके सारे एड्स। अब जब फेसबुक आप कैसे डिटरमिन करेगा कि मुझे कौन से एड पे ज्यादा पैसा लगाना है, किस पे कम लगाना है, किस पे ज्यादा लगाना है, किस पे कैसे लगाना है, मतलब वो तरीका आ गया जो मैंने आप लोग को इससे पहले समझाया था, वो ये वाली स्लाइड हो गई, ये वाली, ये पूरा फॉर्मूला। फेसबुक क्या करेगा, आपके इन सारे एड्स पे थोड़े 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 करके पैसे लगाना शुरू करेगा, वो ऑडियंस को दिखाएगा, और ऑडियंस को दिखाने के बाद वो अपने खुद के एंड पे कुछ मैट्रिक्स को एनालाइज करके बताएगा। मेरा उनका एआई पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो खुद से डिटरमिन करेगा किस पे ज्यादा पैसा लगना है, किस पे कम पैसा लगना है। देखें इस पे रिजल्ट्स, इस पे ओवरऑल स्पेंडिंग जो है वो बहुत कम हुई हुई है, अमाउंट स्पेंट $5 और इस पे 53 हुई है। ये ऑटोमेटिक है, मैंने नहीं करा, ये फेसबुक ने खुद से डिटरमिन करा है, और आप इसके ऑटोमेटिक सिस्टम को कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये, सिवाय एक पॉइंट है, सिवाय ये कि लेट्स सपोज मेरा रिजल्ट यहाँ पे आया हुआ है 0.13 0.11, लेट्स सपोज इस वाले का आया हुआ है $2 और इसका हुआ हुआ है $0.5, तो महंगे हो गए ना दोनों, तो मैंने इन दोनों को ऑफ कर दिया। फेसबुक कुछ ना कुछ स्पेंड जरूर करेगा, ये मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन फेसबुक आइडियली किस पे ज्यादा स्पेंड करता है? फेसबुक आइडियली सबसे ज्यादा उन पे स्पेंड करता है जिसपे एंगेजमेंट ज्यादा अच्छी आती है, जिसपे क्लिक थ्रू ज्यादा अच्छा आता है, जिसपे कन्वर्जन एंड एंड कन्वर्जन जो आपकी वेबसाइट पे हो रही होती है वो ज्यादा अच्छी हो रही होती है, और आपका एड का लुक एंड फील जिसको अच्छा लग रहा होता है वो कैसे होता है डिटरमिन? फेसबुक अपने एंड पे खुद से क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग निकालता है, ये तीनों मिलाकर आपकी एड रेलिवेंस निकलती है। समझ रहे हैं मेरी बात? पहले ये तीनों एक होते थे जिसको हम क्या बोलते थे, एड रेलिवेंस स्कोर, ये पहले होता था, ये आज ये होता था 2018 या 2019 में, अब इन्होंने उस एक को तोड़ के तीन में डिवाइड कर दिया। क्वालिटी रैंकिंग, आपकी एड की क्वालिटी कैसी है, आपकी एड की एंगेजमेंट रेट कैसा है, और आपकी एड का कन्वर्जन रेट कैसा है, मतलब क्वालिटी रैंकिंग, क्वालिटी कितनी अच्छी है,
मतलब पिक्सेलेटेड बुरी क्वालिटी, आपने क्या 1080p की जगह बहुत ही लो पिक्सेलेटेड ग्राफिक्स के ऊपर एक वीडियो लगाई हुई है, या कोई ऐसी कोई वीडियो लगाई हुई है जो 720 नहीं है, किसी और ज्यादा लो 480 पिक्सल्स पे चल रहा है या किसी और पिक्सल्स पे चल रहा है, पुअर क्वालिटी, ऑब्वियसली आपके यहाँ पे नंबर कम होंगे। एंगेजमेंट रेट, ओवरऑल आपकी एंगेजमेंट कैसी आ रही है? बहुत जबरदस्त एंगेजमेंट आ रही है, वेल एंड गुड, फेसबुक आपको जो है ना उसको अच्छे नंबर दे देगा। कन्वर्जन रेट, आपकी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, एक्चुअली आपका जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है वो कितना कन्वर्ट हो रहा है। अगर अच्छा कन्वर्ट हो रहा है, लोग पीपल आर प्रोन टू कन्वर्ट इजिली, आपको यहाँ पे फेसबुक अच्छे नंबर दे देगा। इन तीनों को और ज्यादा डिटरमिन करके फेसबुक फिर आपको रैंकिंग देता है, और फिर वो खुद से आम बेसिकली जानबूझ के फेसबुक को 3-4 एड्स लगा के देते हैं एड सेट लेवल पे, कि फेसबुक के पास रूम हो। क्योंकि देखें, आप ये बात बोल सकते हैं, और अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। सॉरी आज का सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे पता ये होगा लंबा। आपको नहीं पता, आप ये बात बोलते हैं, मैं लेट्स सपोज आपको ऐड दिखाता हूं, मैं बोलता हूँ हाँ यार, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स में से हमेशा किसी को एक ही एग्जांपल उठा के देता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ यार जुलकरनैन, तुम्हें ऐड कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपकी, मतलब लेट्स सपोज आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, या आई एम सॉरी जुलकरनैन इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, आई एम द एडवर्टाइजर, और मैं बोलता हूँ जी जुलकरनैन आपको सबसे अच्छा ऐड कौन सा लग रहा है, मैं अप्रूव करा रहा हूँ। वो बोलते हैं यार इन दोनों एड्स में से ये वाला ले जाओ, इज द रॉन्ग अप्रोच। द राइट अप्रोच इज यू हैव टू स्प्लिट टेस्ट, एंड इन आर वर्ल्ड वी कॉल इट स्प्लिट टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ए बी स्प्लिट टेस्टिंग। सही है, ए बी स्प्लिट टेस्टिंग में हम बोलते हैं वी विल लीव ऑल ऑफ इट ऑन द डेटा, हम ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम ह्यूमनाइज नहीं करेंगे इस एलिमेंट को, हम इस सारी चीज को डिटर्मिन करेंगे जब फेसबुक हमें डेटा प्रोवाइड करेगा, हम फेसबुक पर छोड़ेंगे कुछ डेटा डिटरमिन करने के लिए, एनालाइज इवेलुएट करने के लिए कुछ डाटा हम करेंगे। इट गोज हैंड इन हैंड, सारी चीजें फेसबुक आपको नहीं करके देगा, आपको भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। ठीक है, बट आप सिर्फ एक चीज के ऊपर, देन अगेन एज अ एडवर्टाइजर, एज अ डियर रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग। एक चीज सिर्फ कॉस्ट पर रिजल्ट, या कॉस्ट पर क्लिक, या कॉस्ट पर या क्लिक थ्रू रेट, या एंगेजमेंट रेट, या क्वालिटी रैंकिंग, या कन्वर्जन रेट, या आपकी कोई भी इंप्रेशंस, या रीच, या कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, ये सारी चीजें एक चीज के ऊपर डिटरमिन नहीं करती। एक एडवर्टाइजर जो होता है वो सारी चीजों को लेके चलता है, समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ लाइव, कि हम लोग एक अच्छे क्रिएटिव की एक एग्जाम्पल कैसे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, पहले मैं आप लोग को सीबीओ बता देता हूँ, सीबीओ क्या करता है। यहाँ पे तो एबीओ मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, सीबीओ बताता हूँ, फिर उसके बाद एलटीबी, और फिर मैं आप लोग को बस फाइनलाइज फाइनल थॉट्स के ऊपर मैं बता देता हूँ कि हम लोग ने एक एग्जाम्पल रख के सामने दिखा देता हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये करता है कि आप जो पैसे अपने बच्चों को दे रहे थे कि ये लो भाई पूरे महीने का खर्चा, एडसेट लेवल पे दे दिया आपने, किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया, या सबको बराबर दे दिया, डजंट मैटर, लेकिन आपने एक बजट दे दिया, भाई अपने ख्याल से अपनी स्पेंडिंग करो। और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे क्या करते हो, आप वही बजट उठा के कैंपेन पे ले जाते हो, आप कैंपेन लेवल पे डिसाइड करते हो, और जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। जी, कैंपेन लेवल पे ही होता है, जैसे $22,000 के हमने करे हुए, तो आप देखिएगा इस पे हमने सीबीओ ऑन करा हुआ है, हमने इस पे सीबीओ ऑन करा हुआ है, और हम $500 रोज खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। तो $500 हम रोज खर्च कर रहे हैं, और ये खुद ब खुद जिन देखे हमने कितने एडसेट्स लगाए हुए, 22 एडसेट्स में से बेस्ड ऑन मेट्रिक्स
हमने कुछ चीजें एनालाइज करी और एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कुछ एड सेट्स बुरे थे, वो मैं अब आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। कुछ एड सेट्स बुरे थे, कुछ एड सेट्स अच्छे थे। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे फेसबुक को आप बजट देते हो और आप बोलते हो कि फेसबुक यार मेरे पास ये बजट है, ये रहे एड सेट्स, और एड सेट्स कैसे सेट करें हमें, करंट इवेंट्स है तो करंट इवेंट्स ये अच्छा। बाय द वे मैं आप लोग को एक और आउट ऑफ द वे बता रहा हूँ बात, और ये जरूरी है, मेरे अंदर एक आदत है क्या, मैं जो ना बेसिकली अपनी पास परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करने के लिए हर कैंपेन का एक नेमिंग कन्वेंशन रखता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन क्या चीज होती है कि आप अपने रिकॉर्ड को सही से रखने के लिए आप अपना एक फॉर्मेट बना लेते हो, जैसे फोल्डर्स का नाम बनाते हो ना, एक बंदा है उसका नाम है मुइज, उसने अंदर फोल्डर बनाया हुआ है फ्रीलांसिंग FBAPL, ताकि हर काम को उस फोल्डर के अंदर रखे। तो मैं भी अपने जो है ना नेमिंग कन्वेंशन बनाता हूँ, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने आखिर में डेट लिखता हूँ, बीच में कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव लिखता हूँ, और उससे पहले उसका एक नाम देता हूँ मैं, सही है? तो मैं भी इस तरह नेमिंग कन्वेंशन बनाता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैं किसको टारगेट कर रहा था, उसका क्या पीछे बैक, मतलब अंदर जाने से पहले पहले ही समझ जाऊं कि ये पूरा कैंपेन था किस बारे में और किस दिन मैंने इसको क्रिएट किया था, ठीक है? तो नेमिंग कन्वेंशन रखा मैंने, नेमिंग कन्वेंशन के अंदर जो एड सेट्स थे उनका भी नेमिंग कन्वेंशन रखा, और वो रखा जैसे करंट इवेंट्स, तो करंट इवेंट्स हैं तो चलते हैं जरा करंट इवेंट्स के ऊपर। ये पुरानी एड सेट है तो ये अभी COVID-19 से पहले की है, तो ये करंट इवेंट्स डिफरेंट होंगे। पॉलिटिक्स, ह्यूमन इश्यूज, करंट इवेंट्स, नॉन गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, होम इंप्रूवमेंट है तो उससे रिलेटेड उसके इंटरेस्ट डाले हुए, होम, होम डिजाइन, होम शॉपिंग, हाउसिंग वगैरह वगैरह। एंटरप्रेन्योर है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट डाले हुए कि एंटरप्रेन्योर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप, बहरहाल। तो ये बताने के लिए था, अब वापस आ जाता हूँ उस पॉइंट। तो मैंने इस तरह 22 एड सेट्स बनाए, डिफरेंट ग्रुप्स को मैंने मिला लिया, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को मैंने मिला लिया, और मैंने बोला कि मैं इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को एक साथ टारगेट करूंगा, ठीक है? तो इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को मैंने मिलाकर मैंने टारगेटिंग स्टार्ट करी, तो इट टर्न्स आउट के मेरे जो भी मैट्रिक्स थे जब मैंने फेसबुक को एक बजट दिया, तो उन मैट्रिक्स के तहत अगर मैं इनकी पूरी परफॉर्मेंस आ रही थी और इन जो ऑन है उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी, शुरू शुरू में कुछ इनकी बुरी आ रही थी, इनकी बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन अब करता क्या है, मैंने ऑफ क्यों करा? कैंपेन लेवल पे जब मैं बजट लगाता हूं तो होता क्या है कि जो घर के सरबराह हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन डिमांड बेसिस, ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस, खुद ब खुद कैंपेन अपने नीचे वाली फैमिली को ऑन द परफॉर्मेंस के एड सेट कितना अच्छा, यहां पर हम क्या बोल लेते, एड सेट डिटरमिन कर रहा था एबीओ में कि मेरा जो भी एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैं उसको उस लिहाज से पैसे दूंगा। यहाँ पे कैंपेन दोनों चीजों को एनालाइज कर रही है, एड सेट्स को भी और एड्स को भी, और वो खुद ब खुद अपने एआई के प्रोसेस के लिहाज से देख रही है कि मुझे किसको कितना बजट देना चाहिए स्पेंडिंग के लिहाज से, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, कि मैं उसको कितना बजट दूं, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा मैं उस पर ज्यादा पैसा लगाऊंगा, बाकियों पर कम पैसा लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा जरूर। अब लगाऊंगा जरूर हमारे लिए एक बुरा फैक्टर बन जाता है, तो इस वजह से क्यों, क्योंकि फेसबुक थोड़ा 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 कुछ ना कुछ पैसा लगाता रहता है, और वो बुरे परफॉर्मिंग वाले एड्स हमारे ऊपर एक फजूल की कॉस्ट ला रहे होते हैं, क्योंकि उनके कॉस्ट पर रिजल्ट या कॉस्ट पर कन्वर्जन बहुत हाई हो रही होती है, तो हम उन एड सेट्स को ऑफ कर देते हैं और बाकियों को ऑन रहने देते हैं, ताकि उन पे फजूल का पैसा ना ड्रेन हो, ब्लीडिंग ना हो उस उन एड सेट्स की वजह से, ठीक है? तो अब इस पे ऑटोमेटिकली मैंने एड सेट लेवल पे कोई बजट नहीं लगाया हुआ, फेसबुक खुद डिटरमिन कर रहे आज $500 लगाए में, हो सकता है आज इस पे $100 लगा दे, इस पे जो है ना बाकी $400 लगा दे, हो सकता है इस पे आज पूरे $500 लगा दे और बाकी किसी को कोई पैसा ना दे, हो सकता है चार दिन बाद इस पे $100 लगाए, इस पे $100 लगाए, इस पे $100 लगाए, इस पे $10 लगाए, इस पे $20 लगाए, इस पे $30 लगाए, सब कुछ फेसबुक डिटरमिन करेगा आज मैंने इस पे कितना पैसा खर्च करना है। और इसकी अच्छी एग्जांपल दिखा देता हूं, टुडे का मैंने टाइमलाइन लगा के आज आपको पता चल गया, फेसबुक ने आज के दिन टोटल $450 खर्च हो चुके हैं, $450 to $500 का बजट था अगर आप लोग को याद हो डेली, $450 में से $160 इस पे लगाए हुए, ग्यारह इस पे लगाए हुए, 21 इस पे लगाए हुए, 25 इस पे लगाए हुए, 5 इस पे लगाए हुए, 76 इस पे लगाए हुए, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है? So that is how things are done. ये चीजें हो रही होती है हैंड इन हैंड,
हम अपनी चीजों को भी स्ट्रीमलाइन करते रहते हैं और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस हम अपनी चीज देखें, सिर्फ एड सेट लेवल पर मैंने ऑफ नहीं करा हुआ, बल्कि ऐसा भी हुआ हुआ है कि कोई एड सेट है जो बहुत अच्छा भी विनिंग एड सेट है, जैसे विनिंग एड्स होते हैं, विनिंग प्रोडक्ट होता है ना, विनिंग एड सेट्स भी होते हैं, विनिंग एड सेट्स में विनिंग एड्स भी होते हैं, विनिंग एड्स में ये चार एड्स मैंने ऑन रखे हुए, ये दो एड्स मैंने ऑफ रखे हुए, क्योंकि लॉन्ग रन में लाइफ टाइम में इनके वेट मे बी आई हैव सेलेक्टेड द रॉन्ग वन। अच्छा, इसमें मेरे पास एक ही एड विनर एड है, तो ये सारे बुरा परफॉर्म कर रहे थे, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो मैंने इसको ऑन छोड़ दिया, मेरी नजर में ये ज्यादा अच्छा एड था तो मैंने इसको ऑन छोड़ दिया, और ये एड सेट पूरा मैंने नहीं ऑफ करा क्योंकि एड सेट मेरी नजर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। मैंने इसको एड लेवल पे जाके भी देखा कि भाई कौन सा एड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अब आप लोगों को फिर से, लेट सपोज आपका प्रोडक्ट है और आपको प्रोडक्ट पे चाहिए कॉस्ट पर ऑर्डर, जो आपको चाहिए आपको जो कॉस्ट पड़ी उस ऑर्डर के ऊपर $2, और आपका वो प्राइस हो गए $10 पे, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? मैं अभी बाकी कॉस्ट की बात नहीं कर रहा जो आपको इनकर हो रही होती है, मैं सिर्फ सिंपल सिंपल की बात कर रहा हूँ, $8 का प्रॉफिट हो रहा है। आप बोलते हैं मेरे पास कॉस्ट पर ऑर्डर $2 से ज्यादा ना हो क्योंकि मुझे जो है ना $8 की जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। आपको ये एड सेट बोलता है कि यार मैं तुम्हें कॉस्ट पर ऑर्डर दे रहा हूं $5 पे, आप बोलते हैं यार ये तो बुरा दे रहा है, अब आप इसको ऑफ कर देते हो, लेकिन आपने डिटेल में नहीं देखा, क्या पता अंदर कोई एड ऐसा था जो आपको कॉस्ट पर ऑर्डर $1 दे रहा था और बाकी आप वो बाकी सारे जो है ना एड करके आपको जो है ना बेसिकली कॉस्ट पर ऑर्डर ज्यादा दे रहे थे, तो आपने बाकियों को ऑफ कर दिया और आपने एक उस वाले को रन करने दिया। आई होप ये बात समझ गए हो आप लोग। आप लोग चाहे मेरी इस पूरी वीडियो को फिर से देखिएगा ताकि आपको साफ साफ पूरा सही से समझ आ जाए, ठीक है? ये यहां तक आपको बात हो गई। LTV क्या होता है? आखिरी बात, ये मेरे जो तीन बजट ऑप्टिमाइजेशन जो मैंने आप लोगों को समझाए, इसमें आखिरी मैं आपको अब LTV समझाने जा रहा हूं, लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन। लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे नहीं कर सकते उसको, आपका CBO ऑफ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन करने जा रहे होते हो तो आप लाइफ टाइम बजट के साथ आप एक चीज डिसाइड करके दे सकते हो, एक मिनट रुकिएगा जरा मैं बताता हूं आपको, मैं जाना जाना आखिर वाले पे और इस पे बजट मैंने लगाया हुआ है। हाँ था, एक मिनट रुकिएगा यार, ये वाला इसी वाले पे वापस आ जाता हूँ, परफॉर्मेंस। तो इस पे मेरा लाइफ टाइम बजट, ये देखिए लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप टाइम डिसाइड कर सकते हो कि मेरा एड किस टाइम से किस टाइम तक दिखना चाहिए, ये होता है लाइफ टाइम बजट ऑप्टिमाइजेशन पे। दिस इज LTV एंड दिस इज हाउ इट इज डन, कि मेरे जो यूजर्स हैं वो आइडियली इस टाइम पे ऑनलाइन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और वो इस टाइम से इस टाइम देखते हैं, सैटरडे को इस टाइम से इस टाइम देखते हैं, संडे को इस टाइम से इस टाइम देखते हैं, और बस इस टाइम मेरा एड चले ऑटोमेटिकली, उसके अलावा मेरा एड नहीं चलना चाहिए, ये मेरे टाइम स्लॉट से एड्स के, बस दिस से दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? ये हो गया आपका। अब मैं आपको एक सिर्फ ये मेरा फाइनल वो है, मैं आप लोग को एक दिखा देता हूं कि मैंने हमने क्रिएटिव टेस्टिंग कैसे करी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए, और हम बहुत डिटेल में जा रहे होंगे बाद में, बहुत डिटेल में कि हम चीजें कैसे करते हैं, ठीक है? आई नो बहुत ओवरवेलमिंग हो गया होगा, माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है इस इन चीजों के बारे में सोच सोच के कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे करना है ऐसे करना है वैसे करना है, मेरा खुद का भी होता है, मुझे पढ़ाते हुए भी होता है, लेकिन ये बहुत डिटेल चीजें हैं जो आप लोग को समझना जरूरी है। मैं नहीं समझता, कुछ लोग मुझे मुझे अकेले में जाके ये भी बोलते हैं, मैं आप लोग सॉरी समझाना चाह रहा हूँ कि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, बहुत जरूरी है डिटेल में जाना, बिकॉज या आप समझ लो, और अगर आपको नहीं समझना आप किसी और से करवा रहे हो तो उसको ये क्लास दिलवा दो, लेकिन अगर आप ये खुद कर रहे हो बिकॉज आप देखिए आप सारे काम खुद कर सकते हैं प्रोबेबली, किसी और से करवा सकते हैं,
आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई वीए हायर कर सकते हो, उसको वो तरीका समझा दो, वो आपके लिए रोज प्रोडक्ट हंटिंग करके आपको प्रोडक्ट्स देता रहेगा। आप शॉप किसी से बनवा सकते हो, जो एड्स का एरिया है ना, कोई आपको चूना लगा के जा सकता है। ये मैं आपको बताऊं, एड्स के एरिया में कोई आपको बहुत आराम से चूना लगा के भाग सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जहां पे आपका पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है ना, वहां पे आपको बहुत फूक फूक के कदम रखने होते हैं। तो ये वो एरिया है जो मैं बोलूंगा कि भले आप सारे काम किसी और से करवा लो, ये एक काम आप खुद करो। आप भले एक प्रोडक्ट हंटिंग आउटसोर्स कर दो, आप शॉप पूरी किसी को सिखा दो कि भाई बेस्ट ऑप्टिमाइज शॉप ऐसे बनती है, प्रोडक्ट हंटिंग सिखा दो आप किसी, लेकिन ये काम आपने खुद करना है। अगर नहीं भी कर सकते, चलो कोई बात नहीं, एक ट्रस्ट वर्दी बंदा लेके आओ, फैमिली में से कोई, या आपका कोई बहुत ट्रस्ट वर्दी दोस्त हो जिसको आप ये सिखाओ, और आप बोलो मैं तुम्हें मंथली पैसे दे दूंगा, ये आपको खुद करना है। सही है? सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। आई गेस मैं बस आप लोग को एक एग्जाम्पल दिखा दूं, और मैं आप लोग को इम्पैक्ट बता दूं कितना इम्पोर्टेंट है ये इम्पैक्ट, और प्रोबेबली आप लोग शायद काफी हैरान होंगे कि इस तरह भी हो सकता है। थोड़ा सा मुझे 2 मिनट लगेंगे ढूंढने में, बिकॉज मैं बहुत बहुत डेटा मेरे पास है खुद, हजारों 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 कैंपेन्स का, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सी कैंपेन में दिखाना चाह रहा हूँ। तो हम लोग ने ये एक टेस्टिंग कैंपेन चलाई थी। नहीं, मेरा खत्म हो गया एक्चुअली सेशन, दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड देन आई एम क्लोजिंग दिस ऑफ। ठीक है? हमने जी मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, भी रुकिएगा 1 मिनट। एक एक टेस्टिंग कैंपेन चलाई थी एबीओ एंड सीबीओ। ठीक है? और ओ क्रैप, और ये यहाँ पर है, और ओके ठीक है। अच्छा, मैं अब आप लोग से अल्हम्दुलिल्ला सॉरी एक सवाल करूंगा मैं आप लोग से, और मैं चाहता हूँ आप लोग इन्वॉल्व होके उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम और देके उसके ऊपर थोड़ा सा अपना अपना व्यू दे कि आप लोग का क्या ख्याल है। ठीक है? ओके। तो एक हमने प्रोडक्ट निकाली जिसका नाम था डॉग कॉलर, एलईडी डॉग कॉलर। ठीक है? अब मैं आप लोग को 3 एड्स दिखाऊंगा, और मैं इन तीनों एड्स को दिखा के आपसे एक सवाल करता हूं आप लोग से। ओ क्रैप, अबे यार ये वीडियो भी नहीं दिखा सकता मैं। अच्छा सही है, मे बी दिस वन इज नॉट अवेलेबल टू अस एनी मोर। वेट, आई होप, नहीं सॉरी, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, मैं जरा आई गेस या ठीक है। तो अब ये मैं अब आप लोग से बात करता हूं इस बारे में। आ गया, अब जरा आप लोग सब फोकस कर लें 2 मिनट। आप लोग के ख्याल से सबसे बेस्ट एड सेट, यार ये भी डिलीट हो गया है, हद है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू गाइज समथिंग, अनफॉर्चुनेटली एड है नहीं अब। चलें ये भी छोड़े, मैं आप लोग को अपने उससे ही दिखा देता हूँ। ये ले, ये आ गया, अब कंफर्म हो गया। ठीक है? तो आप लोग के ख्याल से इसमें से कौन सा एड ऐसा है
जो थोड़ा सा अपील करता है आप लोग को, ठीक है भाई? दिखाना भी शुरू कर दो, क्या हो गया ये तो? एक ये देखें, मतलब ये समझे, ये एक म्यूचुअल फंड्स यूजिंग दिस 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 ऐप बेसिकली। तो मैं एक जनरली बात बोलता हूँ, मैं आप लोग अगर अपना बिजनेस है और आप लोग ये चलाने जा रहे हो, तो आप लोगों को कौन सा ऐड ज्यादा अपील करता है? ये है एक, एक ये है, ठीक है, सेव करो खुश रहो, ठीक है, एक और है, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, फुलफिल योर फाइनेंशियल गोल्स विद आई सेव, और फिर गाड़ी दिखाई भी है, बंगला और जहाज और आई सेव, इट्स इजी, इट्स कन्वीनियंट, इट्स आई सेव, फिर ऐप दिखाई भी है, सही है। और सो देर लाइक एट एट डिफरेंट एड्स, एट डिफरेंट एड्स। तो आप लोग का एक ओपिनियन हो सकता है कि यार मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आप लोग सब ये बोल सकते हो नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोग को बताता हूँ सबसे अच्छा कौन सा है इन पांच, चार में, पांच में, और ज्यादातर लोग बोल रहे हैं सेकंड थर्ड ज्यादा अच्छा है, सेकंड थर्ड ये दोनों ज्यादा अच्छे हैं। चले अब आप लोग के मैं इंफॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ता हूँ, और हम देखते हैं सबसे अच्छा है कौन सा। जब हम क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम क्रिएटिव टेस्टिंग को पे सिर्फ मेन दो चीजें देखते हैं, हम देखते हैं कि एड पे क्लिक्स कितने आए, कॉस्ट पर क्लिक कितना हुआ, और क्लिक थ्रू रेट क्या रहा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे मैं एज एन एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, और मैं इसको जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देता हूँ। एज यू कैन सी, जो हाईएस्ट क्लिक थ्रू रेट एड रहा है वो ये वाला रहा है, इट्स इजी, इट्स कन्वीनियंट, इट्स आई सेफ, सही है। और कॉस्ट पर क्लिक जो है वो मोर और लेस सबके तकरीबन सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोएस्ट कॉस्ट पर क्लिक पे जा रहा है, ठीक है। लिंक क्लिक्स चेक करते हैं सबसे ज्यादा किसके हैं, लिंक क्लिक्स जो हैं, जिस जो बेसिकली विनर एड है, तो हम तीनों तीनों डाटा को वो करेंगे, एनालाइज करेंगे, क्लिक सबसे ज्यादा किसके रहे, कॉस्ट पर क्लिक किसका सबसे कम रहा, और क्लिक थ्रू रेट सबसे कम किसका रहा है। तो आप लोग ये देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कि जिसका सबसे कम क्लिक थ्रू रेट रहा है उसका सीपीसी भी सबसे हाईएस्ट रहा है, और उसके क्लिक्स भी सबसे कम रहे हैं। और अगर आप लोग एक चीज और देखो, तो मैंने बजट सब पे सेम लगाया हुआ है, बजट स्पेंडिंग अमाउंट स्पेंड तकरीबन सब पे सेम है, 6.6 डॉलर्स का है, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, लेकिन 6 डॉलर सब पे स्पेंड हुए हैं। विद 6 डॉलर स्पेंट इंप्रेशन देखे कितने लोगों तक वो पहुंचा है, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट सबसे हाईएस्ट इसका रहा है, सबसे हाईएस्ट लिंक क्लिक्स इसके रहे हैं, और सीपीसी सबसे लोएस्ट इसका रहा है। तो मेरे लिए इन आठ में से जो विनिंग विनर एड्स हैं वो ये चार रहे हैं, एंड मैंने इन्हीं चारों को लेके फिर एक कैंपेन बजाई बनाई, ये एबीओ था बेसिकली, ये एबीओ था, और उन उस कैंपेन को लेके मैंने ये बनाया, और उन बेसिकली मैंने कुछ पुराने एडसेट भी डाले, लेकिन इस वाले को भूल जाएं, बाकी मैंने वही पुराने सारे विनर एड्स डाले, ठीक है। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, और मैं बहुत डिटेल में फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हाउ थिंग्स आर डन एंड ये वो। अभी फिलहाल आई स्टॉप इट ओवर हियर, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा था कि दिस इज जस्ट वन वे ऑफ जस्ट इनिशिएशन, जो पार्ट होता है उसमें हम लोग क्रिएटिव टेस्टिंग करते हैं, और वो मैं आप लोग को और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं सारी चीजें, ठीक है। ऐप इंस्टॉल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव हो रिगार्डलेस, ये मैंने आप लोग एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन दी है, ये किसी भी चीज के ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती है, ठीक है गाइस। सो आई एम गोना क्लोज इट ओवर हियर, आई वोंट बी टेकिंग क्वेश्चंस, बिकॉज द क्वेश्चंस के सब आंसर देते देते आई एम श्योर मुझे 1 घंटा और लग जाएगा, और मेरी कुछ कॉल्स स्केड्यूल्ड है, मुझे मीटिंग पे जाना है, और मैंने जैसे आप लोग को बोला है, आई एम सॉरी मैं आप लोग को डिले कर दिया, मैंने आप लोग को इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट, बट आप लोग खुद देख सकते हो कि मैं खुद बहुत डेडिकेटेड हूँ कि मैं आप लोग को डिलीवर करना चाह रहा होता हूँ। द प्रॉब्लम इज दैट जो कि अब हल होने जा रही है, कि इंशाल्लाह अब आप लोग का ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा, बिकॉज मैं ईसी के मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इस चीज के ऊपर। जी श्योर श्योर,
जी आप हमजा एक काम कर सकते हैं, कैन यू गेट इन टच विद मी, इट्स टोटली फाइन, आई मीन ठीक है। हमजा आपको मेरा मैसेज मिल गया? ओके चलो सही है। ओके गाइस अपना ख्याल रखना, ठीक है। नहीं आज क्वेश्चंस नहीं होंगे, मैंने आप लोग को शुरू में बता दिया था, बिकॉज मुझे 11 बजे मेरी जो है ना किसी से बातचीत है। अब लाइक ऑब्वियसली वो ईसी का ही स्टूडेंट है, 1-1 का, मेरी कॉल स्केड्यूल हुई है तो मुझे उस पे जाना है। स्लाइड्स स्लाइड्स ठीक है, मैं स्लाइड्स दे रहा हूँ आप लोग को, रुके। मैं आगे का कंटेंट नहीं दूंगा, अभी जितना पढ़ाया वैसे उतना दूंगा। कहाँ चला गया? ओके किसी के पास लास्ट जो, एक मिनट रुकिएगा गाइस। फॉर सम रीजन दिस, ओके, बल्कि आप लोग के पास स्लाइड्स का एक्सेस है तो ठीक है, बस सही है, कोई इशू नहीं है। आप वो दे तो रहे हैं अरसलान, आप लोग को स्लाइड्स का एक्सेस दे तो दिया आप लोग को। ठीक है मैं अब चले, आई एम ऑफ देन, आप लोग से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बात होती है। सादिया मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ मुर्तजा से, इंशाल्लाह फिर आप लोग से बाद में बात होती है। जी थैंक्स, ओके अल्लाह हाफिज़।